ये गिरिराज गोवर्धन जी कृष्ण के नित्य वर्कर हैं। वो लोग वैकुंठ ब्रज धाम से यहाँ पर अवतीर्ण हुए कृष्ण की सेवा से। कृष्ण सेवा जन्मेशन है जखन से पांडु रामेश्वर पांडव छिल तखन हनुमान हिमालय के लिए आसिल हिमालय से हनुमान जी ला रहे थे फूल बांधने के लिए। जब यहाँ पर लेकर के पहुंचे इतने में रामचंद्र जी ने खबर भेजा जो जहाँ तक पर्वत लाया है ये देखने से तो पर्वत आम सारे थे से वही खाने रखे थे। फूल बंद गया मैंने फूल बांधा हुए गलो आर कार कार में हनुमान जी ने यहाँ पर और भी कथा है। काशी में गंगा जी तो है किंतु रमणीय भूमि रमणीय पर्वत और वृक्ष इत्यादि नहीं। जैसे मुक्ति बात शुष्क होता है शुष्क है मुक्ति और रकम वही ओम धाम का है शुष्क कैलाश में केवल बर्फ पड़ा है वो पेड़ पौधे ये सब कुछ नहीं रसमय भूमि सब वहाँ पर बर्फ होता है और यहाँ पर कोई वृक्ष इत्यादि नहीं। वहाँ करीबियों ने सोचा जब यहाँ पर कोई पर्वत रमणीय वन उपवन रहता पुष्प यहाँ रहते तो बहुत ही सुंदर पुष्प रमणीय वन इत्यादि शास्त्र काले प्रिंसिपल कोई ऋषि उलट करी थी चले गए द्रोण के यहाँ बोले जब तुम अपना पुत्र दे दो हम ले जाएंगे। अच्छा अपना हमारा पुत्र तो बड़ा प्यारा है इसको कैसे दें नहीं देगा तभी संपाद दे देंगे ना दिला भी संपाद दे। अच्छा बाबा जैसे महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी को विश्वामित्र के लिए दे दिया ये दिए छे वही रकम मंगल ही हो गए दायित्व नहीं दिए देगा इसीलिए का जब मैं जाऊंगा तो ठीक है अमी जाबो किंतु अपवित्र अवस्था तमा के लिए जीता है अपवित्र अवस्था से हमको मत ले जाना और यदि कहीं बीच में रख दिया तो हम उठे भी नहीं सटीक हमको मंजूर है हमारा मंजूर है बस उठा कर चले चले और यहाँ आया तो बड़ी जोर से पेशाब लगे और अपवित्र अवस्था में तुम पुरस नहीं सकते अपवित्र अवस्था से रखते बैठे ऐसा जोर से हुआ हिमालय में जब कपड़े में हो जाए कजे गिरिराज जी आप नहीं पक्का असर छाड़िए मैं अभी अपवित्र अवस्था में साथ उठाण करूंगा नहीं। गिरिराज गोवर्धन मुस्कुरा करके नीचे उतर गए। जब उनका वो हो गया स्नान स्नान करके फिर आए जब स्नान करे प्रयास से कहे अब हमारे उंगली पर उठ जाइए कहे अब तो मैं जाऊंगा नहीं खाई चाहे जो कुछ भी कर लू जाएगा नहीं कितना दूर से रहा तुम जाएगा नहीं तो जाओ यदि नहीं जाएगा तो अभी संपा देंगे जो इच्छा है तुम कर दो अभी संस्थान समय और कहीं नहीं जाऊंगा यहीं पर
सचिन उन्होंने कहा नहीं जाएगा तो एक एक क्षण एक एक तिल घटता जाएगा, एक एक तिल तुम्हें क्षीण हो गए यदि ना जाओ। एवं मंत्र हमको मंजूर है, मरना मंजूर है, किंतु इस स्थान से जाना मंजूर है। कृष्ण का भजन करेंगे तो जीवित रहेंगे, यदि भजन नहीं माता जीवित रहने की जरूरत क्या है। यदि अभी भजन ना करते जीवन की छोड़ जाए आहार एक खान से क्या लौड़ सबसे ऋषि बड़े दुखी हो सकते चले सबसे निर्राज के बस दिखलाया जा रहा है कि ऐसे अनेक नित्य काल से ही यहाँ है नित्य कलिया। यहाँ पर वो स्थान है बड़ा रसमय स्थान है गोविंद कुंड में ऋषियों का यज्ञ हो रहा था, ऋषि कुंड यज्ञ होती है गोविंद कुंड हाथ गोपीराज सब दही माखन दूध यही सब यज्ञ जन्म होम परमार जन्म अंतिम दिवार जन्म घी इत्यादि सब माखन इत्यादि मिल जाते मक्खन लेकर के जा रही है। जब यहाँ पर इधर से इधर पार होकर के इधर आएंगे और उससे दान खाते रास्ता का होता है तो सामने कौन हार ऐसा पूरी स्थान से कई चेज किया जाए एक हंस खड़े जाए दो पहाड़ों के बीच में जो सक्रिय रास्ता होता है उसको कहते हैं दान घाटी। अभी हम लोग दान घाटी वहाँ दे करके आए 15 रुपया दे करके तब इसमें प्रवेश किए, ऐसे नहीं आने देंगे यहाँ। तो कृष्ण यहाँ पर लठिया लेकर के खड़े हो गए, गोपियों से बोले हरी गोपियों तुम लोग ऐसे ही रोज रोज गधी लेकर के और दूध लेकर के पार हो जाती है और कभी भी टैक्स नहीं देती दान नहीं देती। तेरे बाप का है जो हम दान दें, ये तो हमारा है तुम्हारा तो बन है ही नहीं। कहने ये बन मेरा है, मैं महाराज नंद का लड़का हूँ और ये राज्य हमारा है। गोपियों ने कहा ये तेरा कैसा है बतलाओ। ललिता जी बड़ी प्रचंड है, उन्होंने कहा जी से तुम बतलाओ प्रमाण दीजिए तुम्हारा है। उन्होंने कहा वृंदा हमारी औरत है, वृंदा हमारी पत्नी, अतः जो विवाह हो तक हम वृंदा देवी यही राज्य था हमारे कितने दिन तहा राज्य था जैसे कहे तो सीता भाई ने पत्नी ये राज्य की पत्नी को संपत्ति पति जैसे कह दी पत्नी की कोई भी संपत्ति पत्नी का हो जाए पत्नी मालूम उसका हो जाता है। इसलिए मैं इसका राजा हूँ और मैं जिंदा बने पर गोपियों ने कहा अच्छा उसे बुला लो। गोपियों वृंदा देवी को बुलाओ, वृंदावन से जाता वृंदा देवी से जाता हो वृंदा देवी से लेके नहीं आ गोपी गण तुम सबसे सबसे बोलो कालान होंगे तुम्हारा विवाह हो तुम्हारी शादी इस काले के साथ से तुम्हारा विवाह है कि अच्छी बोल रहा है आज इसको तो मैं पहचानती नहीं इससे हमारा कभी कोई संबंध नहीं है इस काले से ये तो जानती नहीं हो एक महाराजा का लड़का एक्टिंग महाराजा से परम सुंदर सब दिखने खूब भालो किंतु ब्रजर एक कोनो में एक विवाह कर दे चाहे नहीं एक दिन आज पर्यंत विवाह है नहीं देखो पहले पूछे तो कत दिन खेले नहीं समझ ले करें कि इतना बड़ा हो गया और बड़ा सुंदर देखने में और राजकुमार और इसकी कोई भी लड़की लड़की छोटी सी लड़की भी किशोरी से शादी नहीं करना चाहती इसलिए आज तक ये महारा रह गया। कोई कारण जरूर इसमें रहना चाहिए कोई जरूर कारण है। राधिका जी ने ये बात कही जिसकी शादी नहीं होती है कोई राजी ही नहीं है इसमें तो जरूर कुछ बात है ये बहुत गुस्सा चीज है और किसी से प्रेम नहीं करता है ऊपर से सबसे दिखलाता है इसलिए इसकी शादी ही नहीं और सत्य है ये कोई भी शादी से नहीं करे। और सब पूछो ये वृंदा जी ने कहा नहीं है इससे हमारी कोई शादी की कोई बात ही नहीं कोई चली ही नहीं और हम यदि कोई बात नहीं चलती तो हम इसे शादी ना करें इससे हमारी कोई शादी नहीं। सब को हम करके ताली बजा करके हम कितने बड़े लड़के कहीं नहीं फिर भी हमको देना पड़ेगा देखिए कहे कैसे बस खड़िया लुटना और कर दिया जो कि उन्होंने उनको मक्खन को थोड़ा सा देकर के और क्या करते
यही दान खाती से यहाँ पसंद है। कृष्ण चंद्र जी ऐसे ही कंदर छोटे कंदरे कंदर में सखाओं के साथ सखियों के साथ में यहाँ पर बिहार करते हैं, दही और मक्खन लूटते हैं और न जाने कैसी कैसी सब लीलाएं करते हैं। कईयों को पानी पिलाते हैं मानसी गंगा में, गोविंद कुंड में, राधा कुंड में, कुसुम सरोवर में, वो उधर में है भैया कुंड में पिलाते हैं, अपने पानी पीते हैं। अभी देखते हैं पेड़ नहीं, आम का पेड़, केले के पेड़, कदम्ब के वृक्ष, ऐसा कोई पेड़ नहीं, ऐसा कोई फल नहीं, ऐसा कोई फूल नहीं जो इसमें गोविंदराज गोवर्धन नहीं। सुंदर सुंदर पुष्प में होते थे और कुसुम सरोवर, उसका नाम ही है कुसुम सरोवर, सुंदर सुंदर वैजयंती माला घुसकर कृष्ण को गोपियां देती थी और कृष्ण अपने सखाओं के साथ में घुस करके राधा जी के लिए उनके गले में डाल देते। इसी तरह से यहाँ पर लीलाएं होती, भक्त लोगों ने देखा कृष्ण का लीला नहीं, अब उनको खोजने के लिए ये परिक्रमा करते हैं, मांगने के लिए कुछ नहीं, सोचे जा रहा था कृष्ण कहाँ थी रोते रोते चारों तरफ से सब सुनाता है उनको। ये गोवर्धन परिक्रमा का तात्पर्य, ये नहीं कि गोवर्धन जी मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ, हमारे 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती इसके लिए नहीं, हमारे घर घर बन जाए, भोग संपत्ति हो जाए, धन हो जाए, स्त्री हमारी हमको प्यार नहीं करती है, हमको प्यार करने लग जाए, ये सब नहीं, बस एक प्रार्थना करना चाहिए विराज के चरणों में कि पहले तो अपने निकट में निवास थे और हमारी आकांक्षा पूर्ण करें, वो भक्ति के अतिरिक्त और कोई आकांक्षा नहीं होती, जो सबसे बड़ी श्रेष्ठ आकांक्षा है भक्तों की, वो मैंने जैसा चाहिए भाव विराज के चरणों में निवेदन की थी, ये हमारी ऐसी कामना है वो हमारी कामना है, सब गोपियों की राशि के अतिरिक्त और कोई बात उसे न मांगा जाए तो अच्छा है, इसके बाद हम यही कर सकते आप ध्यान से परिक्रमा करते हैं, हम लोग चलेंगे बहुत तेजी के साथ से, हम लोग चलेंगे प्रवेश स्थलों पर चलो, एक जगह जहाँ से चौथे पार में ना सारा सांग नहीं है, एकखाने अनेक चेला रहे गल এখন আমাদের পৌঁছতে হবে রাখা সুন্দর সঙ্গে ওইখানে আমাদের এই জন্য আমার গ্রাম কৃষ্ণ ওইখানে
छोटा छिले छोटे से बच्चे तो इस दिन घर में पकवान बन रहा था। पकवान कौन से माने की पकवान बन रहा है, रहना सोचते और सब 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 मैया के पास में चले गए करते थे कहा पहले से बस में आसारे बहुत सारे बोलते वर्षगांठ आते ना कि हमारी क्या वर्षगांठ है जो बना रही है मैया तो कुछ हमको भी दे दे। यशोदा माँ जी थोड़ा सा रुष्ट हो गई तो तुम जाओ खेल उठा गया अपनी गोदी से लेकर के उनको हटा दिया। ये बार बार बाधा देता है बार बार बीज में डाल तब कृष्ण के आंखों में आंसू छलक आए। कृष्ण सोखे से जल पिए थे बाबा वहां से पहले बोलते थे बाबा के पास गए वो नंद बाबा के पास और बड़े प्रेम से उनकी गोदी में बैठ करके बोलने लगे। तार खुले से बसे प्रति संगे तहा दाढ़ी धरे बोलते बाबा आज के माँ की को थे आज अम्मा जी माता जी क्या कर रही है आज तो हमसे बोलना भी नहीं चाहती है और हमको दुष्कार दिया और यहाँ पर आपके पास चल रहा है आज क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी तुम जानता नहीं है हमारे परिवार में परंपरा से परंपरा धरे कहीं ना कोटो बस्तर धरे हमारे यही रीति नीति चले आज के एक हमारे इंद्रदेवेर यज्ञ आज के हमारे इंद्रदेवेर यज्ञ दिन आज के पूरी मालकुआ कचौड़ी ये घरे घरे से इंद्र याग हो गए इंद्र की पूजा हो गई और उसके बाद उनका जो प्रसाद होगा सब मुझे पिताजी ये इंद्र का यज्ञ क्यों इंद्र यज्ञ कहना मत से इन्हें बोलेंगे जैसे इंद्र मादर वर्षा है वर्षा द्वारा फसल भर गम छोला मटर मसूर धान ये सब गाचे से फल है सरोवर से जल है जल ना से हमारा जल हे जीवन जल ना पेले गए हमारा मारा जाए आप फल मूल खंड और अन्न ना थकले हमारे ना और फास ना थकले बधुरा थक खावे ना तारे दूध की रकम पड़े अतः ब्रजे जीवन ही होते कि जगत के जीवन होते जल और जल ना काल से इंद्र एक जन हमारे इंद्री के इसलिए हम लोग की पूजा कर रहे हैं। मुझे जहाँ पर वसन की पूजा नहीं होती जहाँ पर इंद्र की पूजा नहीं होती जैसे इंद्र पूजा होना सेखाने की वर्षा है ना सेखाने की धान गम चावल अन्न इत्यादि फल फूल है ना सेखाने की गाभी खाते ना इंद्र कार्य न আমাদের গোবর্ধন যদি না থাকেন তাহলে জল পাওয়া যাবে না এই মেঘকে গিরিরাজ গোবর্ধন ধারণ করে আর তার সঙ্গে শ্রমিক হয়ে মেঘ জল গোবর্ধন এখানে বন জঙ্গলেতে ফুল ফল ফল মূল ফল এইসব হয় আর ফসল হয় আমাদের বয়ে গাভীর হচ্ছে জীবন স্বরূপ গোবর্ধন গোবর্ধন গো মানে গো গো মানে গোপি গো মানে গাভী গো মানে গো ভক্ত গো মানে গো পাল পালগণ আর গো মানে ইন্দ্রিয় চক্ষু কর্ম নাশ কাজী মাস প্রচার আর বাস পানি পাস পানি পর সমাজের সমস্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয় গো মানে জ্ঞান গো মানে দেশ
बहु अर्थ है सकल के भर्षण करें विशेष करे गुरु गोपी गांधी सबके जिन वर्षित करें ताते से जीवित रखने के लिए तार नाम से गोवर्धन हमारा सकल मिले आज के गोवर्धन ने क्या करने भालो तुम जैसा ही हमें तुम्हें जा बोल छोट बच्चा क्योंकि तुम्हारे बुद्धि तो खूब तीव्र अच्छा बस नहीं ढोल बाजिया दिए समस्त प्रजे से नगारा बजवा दिया और घोषणा कर दी आज हम लोग जाएंगे गिरिराज गोवर्धन में और सभी लोग अपने घर में बनाएंगे पूरे पकवान रबड़ी मलाई खीर दूध सब ले करके जाएंगे और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे सकली नहीं है गरु से गरु गाड़ी से छाकड़ा से छाकड़ा मैंने गरु गाड़ी और यही सब बोली से जिनिस पत्र रेखे सब ब्रजवासी चौरासी कोष ब्रजमंडल मध्य जो तो आते सब लोग एखने उपस्थित 14 मई एकबारे भर्ती हो गए सब चांद दिखिए गोप गोपी द्वारा सकल थाल लागिए दिल এইখানে তো বিরাট চারুপুটের জায়গা হয়ে গেল ফুল পাহাড় হয়ে গেল মালপুয়ার পাহাড় হয়ে গেল অন্যের ঝেড়ি হয়ে গেল পর্বত এইরকম হয়েছে পুয়া পাখান সাফ হয়ে গেল পরে কৃষ্ণ গিরিরাজ গোবর্ধনের কাছে দাঁড়িয়ে ছোট্ট বাচ্চা বলছে প্রভু আপনি আজকে এই বাসী বাণীদের সাক্ষাৎ রূপ ধারণ করে দিয়ে আপনি প্রসাদ পান তাহলে বুঝবো যে সে আপনি গিরিরাজ তখন এক নিজে থেকে একটা আর ধারণ করেন একটা আরাধক হয়ে গেল একজন আরাধক ভক্ত বন গায়ে দুটোরে ভগবান বন গায়ে তখন গিরিরাজ উঠেছে বিরাট আকার ধারণ করেছে আর ওইখানে উপরে দেখছেন মন্দির ওইখানে দাঁড়িয়ে আর এক এক মাইল দুটো মাইল দশ দশ মাইল লম্বা হাত করে দিলেন হাত লম্বা করে দিয়ে আর কৃষ্ণ যখন ভোগ দিলেন বলবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দুই হাঁকেছে ধরে একবার খেলে এক মিনিটের মধ্যে যা কিছু ওখানে ছিল সব কিছু খেয়ে নিল আর সে এইখানে পাশে গোবিন্দ কুন্দাকে ভক্তি জল 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 পান করে নিলে তাতে না হলো তাহলে মানসী গঙ্গার জল তুমি সব ফেরত পান করে বলেন যে আরো নিয়ে এসো আরো নিয়ে এসো আনোরে আনোরে এটা হচ্ছে প্রথম ভাষা আনোরা মানে ওর লে আও ওর মুঝে ভুখ লাগিয়ে ভুখ লাগিয়ে কিছু কম নেই পেট আমি ভাড়া নেই তো দাঁত কে নিচে এক মে চলা গেছে একটি দাঁতে ধরাতে যা দিয়েছিল সব চলে গিয়েছে ফল মানুনে লাগে কৃষ্ণ হাত জোড় করে কাহা हम लोग गरीब ब्रजवासी हैं हमारा गरीब ब्रजवासी हमारे जा छिल अपना चरणे के हमारा उपस्थित करे छी और हमारे कुछ नहीं अपनी यही तरी संतुष्ट रह जाए तखन गिरिराज एक जल खे बेकार मारे बेकार दिया और इसके बाद में जब देखा गया तो जितना जो था द्रव्य सबका जैसा था पैसा और भी बढ़ गया और सब जाती सब गुली पूर्ण हो তখন ব্রজবাসীরা খুব আনন্দিত হল কৃষ্ণ বললেন যে দেখো তো আজ করিন ইন্দ্র কি এখানে কোনোদিন প্রকটিত হয়ে খেয়েছিল কি খায় নাই অত সেটি অলক্ষিত ভাবে সে সব পূজা আছে অত যদি কেউ দেবতাও থাকে তাহলে গিরিরাজ গোবর্ধনের সেবক হতে পারে গিরিরাজই ব্রজের রাজা আমরা তাহার প্রজা অতএব আজকে আমার যজ্ঞ সফল হলো তোমাদের যা ইচ্ছা এই না কাছে বর মাঙো সকলে কি বর মাঙো আমার কৃষ্ণ ভালো থাকে যত লোক ওখানে ছিল যত ব্রজে গোপ গোপীগণ সকলে গুরুরাজ গোবর্ধন কাছে মাঙলো যে আমাদের আর কিছু চাই নাই আমাদের এই যে ছোট্ট দিকে যে কানাই লালা এইটি ভালো থাকে এর কোনো কিছু বাধা না হোক এইটা আপনি বলবেন তারপরে সকালে খুব খেলো আর খাওয়া দাওয়া করে দিয়ে আর কীর্তন করতে 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 গিরিরাজের গোবর্ধন এখান থেকে পরিক্রমা করলো নন্দ বাবা যশোদা আর সকল বৃদ্ধগণ গঞ্জ বাড়িতে বসলো ছোট ছোট বাচ্চারা মালপুয়া খেতে খেতে পরিক্রমা করতে লাগলো এখানে জুতো ফুটবল কোনো প্রয়োজন নাই বৈরাগ্যের ত্যাগের এখানে কোনো স্থান নাই তারা খেতে খেতে পরিক্রমা করতে লাগলো
আর গরুগুলিকে আগে রেখে দিল, লক্ষ লক্ষ গরুগুলি আগে চলতে লাগলো, আর ওই ঝুলাতে ঘুষরিত হয়ে সব লোক परिक्रमा हो गई। घर में सब लोग चले गए बड़े आनंद से और दिन रात यही चिंता होते रही। इतने में इंद्र को पता लगा कि हमारी पूजा नहीं थी, बस बिगड़ गए और उन चार प्रकार के मौनों को देख करके पूछा भार पानी मूसलाधार मैंने बेस्ट मोटो मोटो धार काफी के सूर्य के समान धारा से एकदम बरसा करने लगे और भगवान के समान थोड़े देर में ही एकदम ब्रज को डुबा दिया। आज कल अभी शीत नहीं पड़ी, ठंड नहीं पड़ा, एक अभी ठंड पड़े नहीं, अन्य अन्य बस रहे खूब ठंड पड़े ये तो यही समय से एक राज्य पूजा पर एक दिन पड़े ही हो गए तखन बड़े बड़े दू दू तीन 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 लेट रात এ বছর কোন সব সিজন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ওই সময়তে বর্ষা আর প্রচুর বর্ষা সব ডুবে গেল আর ফরিজের লোক সব মরতে লাগলো, গরুগুলিকে থাকবার স্থান নাই। তখন ওরা এসে কৃষ্ণের শরণাগত হওয়াতে কৃষ্ণ জিল্লা আর গোবর্ধনকে ধারণ করেন আর তাহার ওই যে বর্ষ তার মধ্যে সমস্ত অসংখ্য প্রজাবাসী গোপীগণ ওর ভিতরে প্রবেশ করলো। গোপীরা নিজের নজরের উপরে সে দৃষ্টি উপরে সে গিরিরাজ গোবর্ধনকে টেনে রেখেছে, গিরিরাজ যদি তুমি পড়ে যাও নিচে তার তোমাকে বস বিভূত করে দিব। আর ছেলেরা কি কোনো যে কৃষ্ণের কোনো উপরে সে ভার না হয় এই জন্য তারা লাঠি নিয়ে এইরকম হার খেলে লাগবে। আমরা বলছি কৃষ্ণ তুমি কোনো চিন্তা করো না, তুমি শুধু হাতেতে ছুঁয়ে রাখো বাকি তো আমার সব ভালো। এই প্রকারে তো তারা সাধু করলো। ইন্দ্র সাত দিন পর্যন্ত সারনা কঠোর করলেন, সাত দিন কিছুই হবে না, ভজ্র দ্বারা আঘাত করলেন, গিরিরাজের মনে হয় যে আমার চুল কামিয়ে একটা হয়েছে কিছু তার হয়নি, বড় আনন্দ যে আজকে কৃষ্ণ আমার অঙ্গুলিতে আছেন, আমারে অঙ্গুলি পর্ব খড়ে হ্যাঁ গিরিরাজ গোবর্ধন আজ আনন্দ কারণ কা কোই ঠিকানা নেই, আজ আমারা জীবন সফল হয়ে গেছে কৃষ্ণ কি উস সেবা করনে কে কারণ গিরিরাজ ভগবান ভি বন গয়ে হ্যাঁ তো ভক্ত। কিন্তু যাতে হরি আর হর এক হয়ে যাতে হ্যাঁ মিলকর এক নহি প্রিয়কে অর্থ মে এক উসি প্রকার সে গিরিরাজ গোবর্ধন সভি লোকনে কাহা যে যহি ভগবান হ্যাঁ ঠিক ভগবান জো নহি লাগে গিরিরাজ গোবর্ধন জি কে ক্যা দে সকতে হ্যাঁ গিরিরাজ জি জো কুছ মাঙ্গো ওহি দে দেঙ্গে। ইসলিয়ে যশোদা মাইয়া কো নন্দ বাবা কো নি কুছ মাঙ্গনা হোতা হ্যায় ইসে যদি কুছ মাঙ্গারো থাকে তাহলে গিরিরাজ গোবর্ধন পরিক্রমা দিয়ে তার কাছে প্রার্থনা করা দিয়েছিল। আমরাও আর কাহারও পূজা করি না আর কিছু আশ্রয় নেই লেতে, বস যদি কই জরুরত হ্যায় তো গিরিরাজ জি সে কাতে হ্যাঁ সংসার ফুকার কানে না পৌঁছি দিয়ে এ রোগ দূর সংসার কা জিতনা হমারা রোগ হ্যাঁ হব রোগ সব রোগ যারা দূর রয়েছে আর সংসার কি संसार के झगड़े की बातें दुख की बातें आज हमारा पति मर गया, आज उसको टीबी हो गया, आज उसको कैंसर हो गया, उसने अपनी स्त्री को छोड़ दिया, उसकी लड़की घर से निकल गई, उसका लड़का बड़ा आबाद हो गया, आज हमारा घर गिर गया और तरह तरह की बातें हैं। फिर गिरिराज गोवर्धन जी हमारे कान में आए, हमारा चित्त चंचल नहीं हो, निश्चल चित्त से आप कृष्ण चंद्र जी का राधा जी के चरणों का ऐसी सब प्रार्थना करती। इसके बाद में इंद्र जी देखा जब कुछ नहीं हुआ तो झट वहाँ पर सुरभि जी को लेकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगा और फिर उनका अभिषेक किया। वही गोविंद कुंड है, हम संक्षेप नहीं केवल बतला रहे हैं, बहुत दूर चलना है और जल्दी जल्दी चलने की चेष्टा आप लोग करें। 11 बजे से पहले ही हम लोगों को राधा कुंड के पहुँचना है, इसलिए वहाँ पर क्षमा मंगाया। भगवान ने क्षमा तो कर दिया किंतु अंदर से नहीं हुआ क्षमा। इंद्र को अभिमान था, मैं देवताओं का राजा हूँ, विश्व का पालन करने वाला हूँ, कृष्ण को भूल गए, बस कृष्ण ने उनको दंड दिया और उनकी पूजा कुछ पढ़ा दिया।
Ganga. Sounds good. I'm going to go to the hospital.
खेलते लगल खेलते खेलते हटात कर नाम छो व्यमाशु जुगमाय तारा जान जोग सब जान आ तारा जोग प्रभावे थे छोट बड़ो हो जित पाल्टे लित कत रकम तारा की सुंदर किशोर গোপ বালক বনে গেল আর বলে কৃষ্ণের নিকটে আস। কৃষ্ণ তাহাকে একবার সে অঙ্কেতে ভর করেছেন, বুকেতে লাগিয়ে নিয়েছে, উনকো পকড় করকে গলে সে রেখা প্যারে সখা তুম ইতনে দিন তক কহাঁ থা, মে তো তেরে লিয়ে খোঁজ রহা থা যে তুম হমারে সাথ, আমি তোমার জন্য আমি প্রতীক্ষা করতেছিলাম, তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারছিলাম না, ও তুমি আমার উপরে কৃপা করে তুমি এসেছ, আর তোমার সঙ্গে আর কোনোদিন ছাড়ব না। সে বলছে আজকে বেশ সুযোগ হয়েছে, এর আমরা কি চিনতে পারি না, আমার উপরে তো খুব তাহার বিশ্বাস হয়ে গেছে, এখন আমার কাজ হয়ে যাবে। তখন কৃষ্ণ বললেন বলদেব প্রভুকে যে আপনি এক দিকে আমি এক দিকে, আমার দেখা থাকবে আমার দিকে, এরকম করে দিয়ে খেলাধুলা হতে লাগলো, বেশ খেলা জমে উঠেছে। এখন এই বনেছে চোর আর ছেলেরা বনেছে ঘের বন গে, আর খেলতে 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 জিনকি হার হয়ে যাতে উনকো কুছ আপনে কন্ধে মে বিঠা করকে চলনা হতা ইয়া কোই অর কুছ পন লেনা হতা, আর ও ক্যা করতা সেটি কি করে ওই এক একটি ছেলে গনকে নিয়ে আর ওই যে গুফা দেখা যাচ্ছে ওই গুফাকে নিয়ে বন্ধ করে দেয়। যখনই কেউ হারলো কি গোপাল তখন বিরাট বোধ ভিতরে আছে ভিতরে অনেক বিচার মধ্যে ভিতরে হ্যাঁ আদমি চলে যায়। আরে এসে এসে কন্দরা ও পাহাড়ো মে হ্যাঁ সুনতে হ্যাঁ গোবর্ধন সে লেকর কে ভরতপুর যা নাটক বার তা কো ভিতরে ভিতর চলা যায় তো মে এসে গুফা হয়ে যেতে লাভ কো আসে উসমে গানে নে কহাঁ চলে লেকর কে সমস্ত অধিকাংশ সখাও কো লেকর কে বন্ধ কর দিয়া। কৃষ্ণ লিখা যে আমার সখালো কো মে দেখ নেই রা কহাঁ গে চলতে চলতে बलदेव जी के तरफ से इशारा किया। बलदेव जी ने कहा ये आप सरदार है जी ये है वो कौन सा थे क्या हुआ कोई रात इस पर निगरानी रखो। जैसे जैसे कृष्ण ने देखा अब सावधानी के साथ सावधानी संग देख रहे थे एक छिले तक भरे
आने जाओ इस कंदरा से चलेगा स्टेशन देखा जैसे वही कंदरा से चलिए तखन अच्छा ठीक है चले गलो तारपर जो फिरत आसलो तक चेक करे कृष्णता के पड़े भरवार संगे संगे विकराल रूप धारण करे विशाल तखन बलदेव देखल जैसे मारले पृथ्वी कंपायमान हो जाए কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাহারা খুব চলমা হনুমান আপনা বল নাই জানতে হনুমান নিজে বল জানে না কোনোকমে জানে যোগ মায়া প্রভাব আছে তার নিজের শক্তি সামর্থ্য সব গুলিকে তারা ভুলে কেন কৃষ্ণ নাই তো বিজয়ী হবে ওই সখাই চাই তাহলে মেরে ফেলতো তাহলে আর লীলা হতো এই জন্য লীলার জন্য তারা এইসব শক্তি প্রভাব এইসব কিছু চিজ কাজ করে না তারপরে কৃষ্ণ নিয়ে এইরকম করতে করতে প্রায় দু খরচ করে তখন তাদের খুব ক্ষিধা লেগেছে তখন আমরা যাচ্ছি সেখানে ভোজন থালি ওইখানে সে তারা খাবে ওইখানে পর্বত পাহাড় একটু কিছু কিছু ছোট আছে উসমে উনোনে খাড়া জায়সা কল্পনা করকে উসি কে উপর মে আপনা রখ করকে ভাইয়া নে যে কুছ ভেজা হ্যায় রোটি অথবা যে কুছ ফলমূল মিশ্রি मक्खन या जो कुछ भी भेजा बस वहीं पर रख करके चेती साझा और रख करके सब खाने और वहीं पर एक आसन भी है जिसका कृष्ण को राजा बना करके बैठा दिया और कृष्ण उस बड़े आनंद के साथ में बैठ करके तरह तरह की लीलाएं करने लगे हम लोग गुरु की लीला स्थल में जाएंगे आप लीलाओं का स्मरण गौ प्रणाम और आकर के फिर सभी लोग दुख ला करके सब पढ़ाया कर ले और ये कृष्ण का सिंहासन है उधर में और चारों तरफ में खाली कटोरी चारों तरफ में बनी हुई है यहाँ जो खाता वहीं पर खा लेता अभी हम लोग लेकर के ले लेंगे तो फिर एक बार दूरी की बस सब लोग लेंगे जो तक कुछ Thank you.
वो भी एक मील दो मील लंबा, ऐसा यहाँ पर पोखर भी है, एक मील तो नहीं
किंतु थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, बस कृष्ण वही से डूब करके घड़ियाल बनकर मगर बनकर के उस पार निकल जाते और उनका पैर पकड़ लेते तो ये क्या पकड़ लिया और इतने में छोड़ करके फिर जहाँ रहते थे वहाँ चले आते। यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती काशी ने भजन किया था, उनकी निष्ठा कैसी है, हमारे पास में पैसा नहीं वृंदावन कैसे जाए, घर बेच देंगे, घर नहीं है तो लड़की है तो उसको भी बेच देंगे किंतु वृंदावन जाएंगे, लड़की भी बेचने के लिए नहीं है, कोई नहीं लेगा तो क्या करेंगे, बीच बचा रहे हैं उसको खड़ा कर देंगे, कभी हम वृंदावन जरूर जाएंगे, अर्थात मान सम्मान सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में हमको जाकर के भजन करना। तो यहाँ पर बहुत दिनों तक उन्होंने भजन किया। यहाँ पर 84 कुंड या कितने हैं नंदा का भवन जिसमें 84 खंभे हैं, इधर से गिनो तो कोई बढ़ जाएगा, इधर से गिनो तो कम जाएगा, वो पूरा ठीक ठीक आता नहीं है। यहाँ पर जक्ष और अर्जुन का पांडवों का जैसे महाराज का संवाद था, किम आश्चर्य, क्या आश्चर्य है, वहाँ पर हम सब सुनाएंगे, ऐसे ऐसी सब लीला स्थली है कृष्ण की, यहाँ पर सब सुंदर रूप से ये सब हुआ, हम लोग लीला स्थली को प्रणाम करके और सब पर आगे चलते हैं। कुछ करने के लिए यहाँ जाते अपनी गलिया पर छड़ों को साफ छोड़ देते यहाँ पर और ये चरने लगते, दूसरे में यहाँ पर सुंदर सुंदर खास सुंदर सुंदर तालाब से सरोवर छोड़ दिया, ऊपर चढ़ने लगे और तब कृष्ण यहीं पर ऊपर से फिसलते थे, सब बच्चे लोग फिसलते थे, बड़ा उनको आनंद था, इसके नाम फिसल पारी हो गए, विधिवान समय की गई गए थे गुरु जी के साथ में, नहीं आ रहा किरण का सिंह लोगों के बछड़े के हजारों हजारे बजाया बंद थी, सब पहाड़ का पहाड़ भूला गो और उसमें जितने गौवे बछड़े जो कुछ थे अवसर खा के सिंह, अब उसके बाद में हमने कभी देखा नहीं है, काम में बन में Thank you.
हम लोग अपने परिक्रमा के बाद दिन जाएंगे सिद्धार्थ में जाएंगे घर का जो पैर का है ना वही बात हाँ अरे पानी भरा रहता तो दो चरण का विशेष करके जयसिंह नरेश ने
जो भी मंदिर बनाया है उस मंदिरों को तोड़ फोड़ देंगे और विग्रह को भी तोड़ देंगे। इसलिए औरंगजेब बड़ा धर्मांध था, हिंदुओं को भी जबरदस्ती मुसलमान बन गया। कृष्ण की जन्मस्थली का मंदिर तोड़वा करके उसे मस्जिद बनवाया। वृंदा देवी वृंदावन में गोविंद देवी का मंदिर तोड़वा करके वहाँ पर भी मस्जिद बनवाया। उसी ने हरदेव का मंदिर ऊपर का किला तोड़वा दिया। इस तरह से वृंदावन को नष्ट भ्रष्ट करने पर तुला हुआ था। इसका कारण ये था, जयपुर के नरेश अकबर के अकबर को अपनी बहन की शादी दी थी, इसलिए समस्त राजपूत उनके विरोधी हो गए। सब राजपूत राजविरोधी हो गए। महाराणा प्रताप इत्यादि अपने पंक्ति से उसको हटा दिया, एक लाइन में नहीं खिलाया, इसलिए और वो क्रोधित हो गया और अकबर का साथ देकर अपनी बहन क्या क्या भाई नाम था उसका शादी करा दिया। मुसलमान बन गया। फिर उसका पुत्र जहांगीर, उसका पुत्र शाहजहां हुआ। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब राजगद्दी पर बैठ गया। इसके बाद में शिवाजी को कैद कर लिया और दिल्ली के जेलखाने में भर दिया। तो शिवाजी और यहाँ का नरेश जय सिंह या मान सिंह वो उनके मित्र थे। सुना कि हिंदुओं के ऊपर में कितना अत्याचार किया औरंगजेब करता है और हमको जेल में बंद कर दिया, आप कुछ नहीं कर रहे, इसे आप मेरी सहायता कीजिए, जेलखाने से कितने तरह से निकल जाऊँ तो हम इसे दिखला देंगे, फिर करा के भ्रष्ट करके और यहाँ से हम लोग भगा देंगे, इसे मेरी सहायता कीजिए। मैंने क्या सहायता करूँ, मैं जेलखाने में बंद हूँ और द्वादशी को मैं सब लोगों को अपने जन्म दिवस में रह रहा है द्वादशी से, इसलिए अपने द्वादशी के दिन में मैं अपना जन्मदिवस मनाऊंगा। मेरे लिए बड़ी सी टोकरी में बताशा भरवा करके भेज दीजिए, जैसे मैं सबको मनाऊंगा। इस प्रकार से ऐसा इजाजत ले ली। उन्होंने उनका मित्र था जयपुर का नरेश, बस उससे आदेश ले लिया और आदेश लेने के बाद में मिठाई मस्तक से भेज दिया। शिवाजी उसी टोकरी में बताशा हटा करके उसी में बैठ गए और ऊपर से धंबा दिया कपड़े और जेलखाने से निकल करके चले आए। निकल करके भग करके जब एक दिन रात हो गया जंगलों के रास्ते से और एकदम किधर से किधर निकल गए, देश बदल लिया और उसके हाथ से निकल गए, हाथ से चिड़िया निकल करके जैसे उड़ जाती है ऐसे उड़ गए। और औरंगजेब ने कहा शिवाजी सुरक्षित जेल में है तो सीआईडी ने कहा तो कभी कल ही निकल करके भग गया था। मैंने कहा कैसे भागा, उसी मुठाई के टोकरी में। ओ तो ये जयपुर नरेश का इसमें कुछ चक्रांत है, षड्यंत्र है, उसे पकड़ गए। बस वो पहले ही उसके पहले निकल गए और वृंदावन में जितने मंदिर में उनकी मूर्तियाँ थी, राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा गोविंद जी, राधा माधव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा गोपीनाथ जी, वृंदा देवी ये जो देख रही हैं ये वही पक्षी सबको लेकर के अलग अलग रखों में बैठा सके और वृंदावन से निकालेगी ये हमसे अब सत्रु बन जाएगा और ये तोड़वाएगा मंदिरों को मूर्तियों को मजले करके। दिल्ली नरेश पर भूकंप दिया, जयपुर का नरेश भी भाग गया और वो भी शिवाजी भी भाग गया और उनको जहाँ भी है पकड़ो और उनको जेलखाने में लाओ, उनको हम सूली चढ़ाएंगे। और उनके जितने बने हुए मंदिर हैं ब्रज के अंदर में, जयपुर का नरेश का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, गोविंद जी का मंदिर बनाया, गोपीनाथ जी का मंदिर, गोविंद जी का, तो इस तरह से सब मंदिरों को तोड़ना है। जब सेना लेकर के आया तो उसके पहले ही सब मंदिरों से मूर्तियों लेकर के वहाँ से पहले आए राधा कुंड में, राधा कुंड में शाम को चले रात हो गई, राधा कुंड में लेटा है, इसलिए गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन इत्यादि का सब मंदिर में। फिर वहाँ से दूसरा पड़ाव आया, ये काम में बन गए।
राजस्थान की सीमा में आ गया, उनका कारागार धीरे धीरे कम होता गया, उनका जो अभी भी दिल्ली से ये निकट है इसको और आगे ले चले। फिर यहाँ रात में रहे, यहाँ गोविंद जी को रखा गया, गोविंद जी का मंदिर, ये बृंदा जी का मदन मोहन का मंदिर उधर में है, और गोपीनाथ गोपीनाथ जी का भी मंदिर उधर ही है, और सब ठाकुर जी को लेकर के रख करके अलग अलग पूजा करते। फिर दूसरे दिन वहाँ से चले, फिर वहाँ से चलते 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 फिर धीरे धीरे में जयपुर में पहुंचे, अपने राजभवन में गोविंद जी को रखा, उसके पास में गोविंद मदन मोहन जी को और गोपीनाथ जी को भी रखा। गोपीनाथ जी भी अभी जयपुर में गोविंद जी हैं, मदन मोहन उनकी लड़की लेकर के चली गई, उन्हीं की वो लड़की थी, तो अब उपहार के रूप में ले लिया। वृंदा देवी सिंह से यही रही, और गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सब चले गए, अब ये प्रतिपुर मित्र बना के रह गए। इसके बाद में फिर जयपुर में वो सब लोग चले, इसके बाद में वहाँ पर जा सके और उनके से बहुत बड़ी सारी लड़ाई हुई, किंतु अब कुछ कर नहीं सका। इसके बाद वो चढ़ा के विद्रोह हो गया, आपके गड़बड़ होकर के साथ जो मूर्तियों का जो सोना आरम्भ किया था मंदिरों का भी आना, इसे उसका राजनीति एकदम सब नष्ट और तो ये बृंदा जी का मंदिर है, पहले राजसिंह में इसकी बड़ी भारी सेवा होती है, देखिए कैसा विशाल मंदिर है, दूसरा ये बहुत विशाल मंदिर था, आंगन भी बहुत प्रसन्न था। इस समय में कामेगंज बहुत ही सुंदर और मनोरम शहर था, यही वृंदावन माना जाता था। वल्लभाचार्य ने यहीं पर अपनी गद्दी बिछाई पहली, यहीं पर चंद्रमा क्या नाम गोकुल चंद्रमा जी, चंद्रमा गोकुल के लिए चंद्रमा कौन है, उनका पर मंदिर में है, और भी यहाँ पर बहुत से मंदिर है। यह पहले यहाँ पर राजधानी थी, बड़े बड़े राजाओं की राजधानी थी, और बहुत ही सुंदर शहर था, और खंडहर ही खंडहर आपको मिलेंगे। व्यवसाय का भी बड़ा भारी केंद्र था, वो भी धीरे धीरे दूर हो गया, यहाँ पर हजारों लोग लाभ रूप में आते थे, और बड़े सुंदर उससे इसकी सेवा चाहिए। हम लोग भी अभी 35 वर्ष आगे आए थे, तो अभी ऐसी रौनक रौनक थी, और बड़ा सुंदर से चलता था, धीरे 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 गड़बड़ हो गया। ऐसे ही काल के काल में बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े आचार, मथुरा बिगड़ गया था, फिर सुजय शक्ति अभी बन रहा है, वृंदावन भी एकदम जंगल हो गया था। किसी से चैतन्य महाप्रभु आने के बाद में सबके लिए चैतन्य महाप्रभु से पहले इसी को वृंदावन आदि वृंदावन कहते, तब ये बात होती है चैतन्य महाप्रभु जी आए, उन्होंने कहा ये जमुना जी के किनारे होना चाहिए वृंदावन, यहाँ तो वृंदावन में जमुना जी और भी राष्ट्रस्थली कहाँ है, बंसी तो वहाँ पर होना चाहिए, पाशनी में कृष्ण का आवास क्यों होना चाहिए, छठी करण पाशी में मथुरा होना चाहिए, सब विचार करके देखा, ये भी ब्रज है, ये ब्रज से बाहर नहीं है, ब्रज ही है, किंतु वृंदावन 16 वर्ष की परिधि में वृंदावन से लेकर के बरसाना नंदगांव गोवर्धन सब उसके अंदर में, वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा होती है, उसके बाद में एक होती है 16 कोश वाली परिधि, और एक 84 कोश की इसके अंदर में सब स्थान बड़े मंदिर। यहीं पर पांडव लोग आए, बहुत दिनों तक गुप्तवास किया, यहीं पर कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हुई, यहीं पर यशोदा जी का घर था, पिताजी का घर, कृष्ण यहाँ पर खेले कूदे, प्रचार किया, लुकलुकी कुंड भी आया, और कितने 84 कुंड है, कितने कुंड हैं, कितने मंदिर थे, अब वो सब इधर उधर कहाँ चले गए सब। फिर समय आएगा, फिर कृष्ण की लीला होगी, फिर उस समय में फिर नए हो जाएंगे, तब एक बात करेंगे, कभी भी इन आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे, और इन आंखों का देखा हुआ सपन ये तो जड़ चीजें देख सकती हैं, कृष्ण लीला कृष्ण धाम ये सर्वत्र सब समय एक ही समान रहता है, उसमें कहीं भी कोई अदल बदल नहीं होती, इतनी चौमूमि जहाँ जब श्रद्धा हो गए वही श्रद्धा अनुसार से कहा नित्य प्रकाश सारे प्रकट कर दिए,
एक दिन इसीलिए हम लोग यहाँ की मुनि को शिक्षा देंगे। ये वृंदा देवी पहले वृंदावन में थी, चलिए आई वृंदा देवी का वहाँ पर कोई भी वृंदाधिकरण नहीं था, तो हम लोगों के गुरु जी ने ऐसा खुशी की वृंदा देवी होनी चाहिए वृंदावन, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर वृंदा जी की स्थापना की। वृंदावन के लोग बड़े प्रसन्न हुए, ये अलौकिक काम हुआ, ये यहाँ पर वृंदा जी सुना और तुम भी जाए वहाँ पर। इस तरह से उसका नाम भी रख दिया गया है रूप सनातन गौड़ीय मठ, जो वृंदावन के तुलासी उस बचपन दल में उन्होंने सब प्रकाशित किया। अब हम यहाँ से कामेश्वर महादेव को जाएंगे और कामेश्वर महादेव में यहाँ से पांडव लोग प्रभु यहाँ पर ठहरे थे, दुर्वासा जी यहाँ पर द्रौपदी थे, द्रौपदी ने वो तो घड़िया उड़ाकर उसमें से एक चिंता कृष्ण को दिया था। वो स्थान यहाँ पर जब तक ज्योतिषी से संवाद हुआ था, इन सब स्थानों को संक्षेप में हम आप लोगों को देख रहे हैं। पासी में यहाँ से दूर नहीं, यहाँ से करीब करीब 8 मील पर जंगल के रास्ते में, बंद के रास्ते में, तो राशि तो पासी में रामेश्वर है, शेष बंद रामेश्वर लंका वहीं पर है। गोपियों ने कहा तुम बड़े झूठे मक्कार हो, तुम लबार हो, तुम्हें झूठ झूठा, तुम्हें सब तुम्हें मिथ्या कथा बोलो, तुम्हें बोलते जैसे हमी आराम सारे एक नदी पर एक फूल देते जाओ ना, सब वहाँ बंदरों को लेकर के इसमें लगाओ सब सब नहीं। कृष्ण बंसी में जाई और लाखों बंदर वहाँ पर उपस्थित हो गए और कहीं कहाँ से पहाड़ सब ले आए बड़े बड़े टुकड़े और झट एकदम पुल बांध दिया और कृष्ण गोपियों को लेकर के इस पास से उस लंका पुल में चले गए। श्वेत बांध रामेश्वर की वहाँ पर स्थापना की। अभी वो सब दृश्य अभी देखने से मालूम होता है कि ये मिनी लंका है, ये मिनी रामेश्वर है, मिनी मने क्या ऐसा भी मालूम होता है। कृष्ण की ये सब लीलाओं की दुनिया है, यहाँ के संतों की चरण धूली तो हमारे ऊपर में उड़ करके लगेगी, यदि हम लोग ही लगाए ऐसा तो भी उड़ेगी और हम लोग के सिर पर सबक लग जाएगी। हम इस धूली से राज्य वंदना करेंगे, आप कृपा करके हमको राधा कृष्ण का दर्शन और लीलाओं का दर्शन करने जो कि अभी आए हैं। चलिए हम लोग महाराज जी बना प्रसन्न किया दुर्योधन ने अपने घर में खूब खिलाया पिलाया, प्रसन्न को घर मांगो। उन्होंने कहा जैसे जैसे आपने हमारे ऊपर में कृपा की ऐसे ही पांडवों पर कृपा कर, और उनके यहाँ आप अभी अतिथि होकर के जाइए और आप कृपा करके दोपहर में जाए दिन ढलते समय में, जिस समय द्रौपदी भी खा ले सब लोग खा लिए उनको कष्ट न हो तब जाइए। सीधे साधे मानी थोड़ी सी कुछ समझ नहीं सकते, सोचे जो उनके घर में तो बहुत कुछ होगा बना करके रुपये फिर हमको खिला दें, सुने जानते थे इसका गड़बड़ी दुर्दर्शन चल रहा है। उनके पास में एक सूजी की देवी खाली थी कटोरी थी, दूसरी को दिया था मौका दिया था ये द्रौपदी उसमें जो रसोई खिलाएगी अक्षय होगी
और सब लोगों को खिलाने के बाद में अंत में वो खाती है और खाने के बाद में उसको मांस दूध करके सब साफ कर देगी, तब खाएंगे आप कुछ नहीं देगी। और नहीं तो जब तक झोपड़ी नहीं खाएगी तब तक जो जितने लाखों लोगों को दे दी प्रतिदिन सबको खिलाती है। सोच लिया होगा जैसे अब जरूर वो खा लिया होगा, कहिए अब आप जाइए और उनका आशीर्वाद करना। ऋषि शाखा जा ऋषि को लेकर के विमल कुंड के किनारे आए ऋषि और सब लोगों ने बड़ा उनका आभार किया, अभिवादन किया। उन्होंने कहा आज मुझे बड़ी भूख लगी है भाई, मैं अभी सरोवर में स्नान करता हूँ तेरा और आप लोग सब कुछ कर रखिए अभी आकर के साथ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी। ऋषि लोग चले गए और स्नान करने लगे और इधर में इन पांडवों को बड़ी सारी चिंता हुई। द्रौपदी के पास में गए, उन्होंने पूछा बटली तो खोया तो नहीं अभी अच्छा धो दिया तो दुर्वासा ऋषि आए हैं भोजन करने से तो वो अभी संपात दे देंगे, हम सब लोग अभी उनके अभिशाप से जल मतलब द्रौपदी जी ने बड़ी चिंता की। हे प्रभु आप हमारी रक्षा हे गोपनीय आपके अत्यंत महाराज को दूसरा नहीं जिससे मैं कुछ कहूँ, अब जल्दी से हमारी आन रख। मैं तो अभी हम सबको जला कर इसलिए मैं देखा जे पासी से बन में से कृष्ण मुस्कुराते हैं वहाँ पर सब लोगों ने प्रणाम किया। कुशल है कुशल है कि शाखा जा रही थी अभी आए हैं भोजन करने अभी यदि नहीं दिया जाएगा तो यह हमें जला डाल रहे जी को आसपास हो गया अब तो ध्यान उसने कहा कि ब्रुकली तूने खा लिया तो खा लिया बटलो ही कहाँ है तो वो तो मान करके मैंने उल्टा करके रख दिया। अरे जरा लाओ तो सही है तो वो ला करके क्या होगा उसमें तो है अच्छा देखो यदि उसमें कुछ है ले आकर के कृष्ण ने बारीक नजर से देखा वो तो धूले गया का कृष्ण ने कहीं से लगा दिया या कहीं से बच गया सिर्फ थोड़ा सा पतला सा उसने लग गया अंत भीतर बड़ा कृष्ण ने बारीक रूप से देख करके उसे अपने हाथों से उसे निकाला और निकाल कर तो मुख में ऐसे दे दिया और पानी मंगा और पानी खूब पी करके पेट भर गया डा दिया और फिर उसने कहा उधर स्नान कर रहे सब के पेट खुल गए और चकारने लगे जिसमें मैं भीम गया बना लेकर के भीम को देखते ही बागों ने तो आज प्राण रखा एक हम बच्चे से ही तो हम डरे हैं न जाने क्या हो जाते यहाँ पर तो एकदम उनके और प्रिय भक्त लोग हैं दर्शन चक्र फेर करके काट दिया बस जल्दी से वहीं से भागे महाजना सफर सब से पार कर देंगे यहीं पर जबकि पांडव लोग थे यहीं पर जब थे कर्ण दुशासन और शकुनी दुर्योधन सब मिलकर के मंत्रणा की आज भी वहां पर आक्रमण करके उसको बंदी बना दिया जाए और खत्म कर दिया जाए सारा दिन के लिए झंझट और संकट मिट जाए। बस वहां से लेकर के रात बड़ी भारी सेना चले मैंने द्रोणाचार्य ने मना किया तो भी नहीं माने उनको छोड़ करके आप ये सब बाकी सेनाओं से लेकर के आए। जब एकदम निकट में पहुंच गए सरस्वती बनने Yeah.
ये नंदगांव की एक सीमा है, जबकि अक्रूर को भेजा हंस ने, जब यहाँ आया तो जाने की नदी चारों तरफ चलने यहाँ पर भी देखा तो एकदम हृदय में आनंद छा गया, आँख से आँखों आनंद ने अपने छाती के नीचे सही चिंग को रख दिया और परी से यही से संस्कृति इनकी करने लगे। आज हमारा परम सौभाग्य है कि मैं इस स्थान में आया। जिन चरण कमलों को होने चाहिए गंगा निकली है इतनी पवित्र, इन चरणों के प्रताप से ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि और शंकर जी लड़ाई इत्यादि कार्य करते हैं, ऐसे पर ब्रह्म है और मेरे भतीजे बने हुए। अच्छा चले तो वहाँ हमको पहचाने तो नहीं, हमको चाचा कर सकते एक बार भी पुकारा तो हम समझे कि हमारे सुन बहुत तरह के सौ करने लगे। ये उनको फिर गए नाटक के यहाँ, शाम हो गई थी, वहाँ पर पहुँच करके घर में गए, गंगा बाबा से भेंट हुई, बलराम सिंह के आए इनको प्रणाम किया और चाचा जी चाचा जी करने लगे। दोनों बच्चों को उन्होंने अपने आसपास पास और तरफ तरफ एक फल फिर मैंने कहा कि देखो तुम लोग वसुदेव जी के लड़के हो, आप तो ये तो भगवान है किसी के लड़के नहीं, तब भी वसुदेव जी के लड़के हो, देवी के पुत्र हो, बचपन में तुम्हारी तुम्हारे पिताजी वहाँ रख गए थे गोकुल में, अब लोग तुम बड़े हो गए, तुम्हारे लिए ही देवकी वसुदेव कभी जंजीर में बंद करके जेलखाने में रखा है, रोज गाली गलौज करता है, पैर से ठोकर मारता है और अपमान करता है, ये तुम लोगों के लिए बड़ी भारी लज्जा की बात है कि तुम्हारे पिता होने से और तुम्हारे लिए ही उनको इतना कष्ट देते हैं और तुम लोग अब बड़े हो गए, अब तो जरूर उनकी रक्षा करनी चाहिए, रात भर इनको पाठ पढ़ाते रहे, विशेष करके बलदेव जी को, बलदेव जी को बड़ा क्रोध आ गया, अच्छा तो दुष्ट असुर को हम लोग मारेंगे, मालूम होता है कि उसका काल आ गया, जब काल आता है तो एक सर्प को लेकर के गले में आदमी लपेट लेता है और उसको काट डालता है, ऐसे ही इसको इसका काल आ गया है, हम जरूर चलेंगे। फिर नंद बाबा के पास में आए, बोले वसुदेव जी आपके भाई हैं और उनके लड़के हैं, आप इनको जाने दीजिए, कल रंगशाला में बुलाया है और कृष्ण बलदेव जरूर उसका वध कर डाले, आप उसको जाने दीजिए। ब्रज के लोगों ने जब दूसरे दिन सवेरा हुआ ब्रजवासियों ने सुना तो बड़े रोने धोने लगते, जसोदा नंद को गाली देने लग गए, ये अक्रूर आया, अक्रूर नहीं है ये क्या है, जो कृष्ण और बलदेव को यहाँ से ले जाने के लिए आया है और झूठ बोलता है कि ये देवी और वसुदेव के लड़के हैं कृष्ण। इसके बाद में सब लोग आ सके जसोदा जी से उलाहना दिया, जसोदा जी ने खाट के अंदर में कृष्ण को छिपा लिया, किसी तरह से आने नहीं देंगे। नंद बाबा ने कहा मेरी शपथ है मैं इनको ले जाऊंगा और ले साथ ही ले आऊंगा, यदि नहीं आया तो मैं भी घर नहीं लौटूंगा, मैं जरूर उनको लेकर के आऊंगा, तरह तरह की शपथ खाई और नहीं तो कंस इस पुरी को उजाड़ देगा नंदगांव को।
इसे तुम किसी प्रकार से जान दो और कल नहीं तो परसों जब भी हम लेकर के चले। कृष्ण जगत पर जाने के लिए तैयार हो गए। अब जितने ब्रजवासी लोग थे सभी लोग हाहाकार करने लगे और गोपियां तरस के सामने गिर पड़ी, सत्याग्रह कर दिया किसी प्रकार से नहीं जाने देने। उस समय में कृष्ण रथ से उतर करके गोपियों से मिले, उनको सांत्वना दी, कल नहीं तो परसों जरूर मैं आऊंगा। इसलिए परसों नाम हो गया उस गांव का जहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं परसों जरूर आऊंगा, सी परसों उसका नाम है। इसके बाद में उनको सांत्वना देकर, किंतु उनको सांत्वना नहीं हुआ, मूर्खित स्थिति में उनको छोड़ करके और अक्रूर ने रथ हाँक दिया और मथुरा की तरफ ले। तब से गोपियां घर में नहीं गईं, रसोई नहीं बनी, तरह तरह की विरह की बातें हुई। फिर हम लोग परसों आएंगे तो फिर वहाँ पर प्यारी में इस सब की बातें हम लोग बताएंगे। अभी हम लोग यहाँ से पांच सरोवर जाएंगे जहाँ पर कि नंद बाबा, यशोदा जी, ब्रजवासी लोग स्नान करते थे, कृष्ण भी सखाओं के साथ में स्नान करते थे, गायों को पानी पिलाते थे, बछड़ों को पानी पिलाते थे। ये सब स्थान दर्शन करके हम लोग आज सीधे चले जाएंगे कोकिल वन। यहाँ पर कृष्ण कोकिल वन करके कुहू कुहू करते थे और गोपियाँ सब वहाँ से मिली जाती थी। वहाँ से हम जाएंगे कहाँ, तुम्हारी ससुराल रही, हम जाएंगे वहाँ से बहुत और साइकिल का रास्ता वहाँ से फिर जाना एक मिल दो मिल और आना तब तक शाम हो जाएगी। इसके बाद में जाएंगे वहाँ पर जावट में, जावट जिस बट के नीचे उनका राधा जी का राजभवन था, राजभवन था, वहाँ पर जाएंगे उनकी ससुर बाड़ी और वहाँ से फिर आज मथुरा में चले जाएंगे। परसों हम लोग आएंगे तो सीधा एक बार नंदन बाबा के ऊपर में जाएंगे, कमलामलापति का सिंह दर्शन लेंगे और वो लोग चावट और कोकिल वन का दर्शन हम लोगों का नहीं, इसलिए आज हम लोग उसको कर और हम लोगों के लिए सीधा रास्ता फिर उस दिन नहीं होगा, इसलिए ये सब दर्शन करके और फिर हम लोग प्रभु आप ध्यान चंद्रंदस्य ज्ञानं जनशलाकय सब्चोरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीमते गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वैराग्यजिगभक्तिरसंप्रयत्ने अपायन्माननुभिस्कुनन्दम् हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सचमुच में ये पावन ही सरोवर है, पावन मन पवित्र करने वाला है, एक पावन सरोवर। कृष्ण समय तो पावन सरोवर आ गई संबंधी हम लोगों ने बोलना एक ने सनातन गोस्वामी भजन कुटी रूप गोस्वामी के कदम में से थकते हैं और इन एक स्थल से थकते प्रथम रूप सनातन संगे देखा हुई कनाई नाथशाला से तखन दूसरे साल बाद साहेब मेरा प्रधानमंत्री एंड प्राइवेट सेक्रेटरी रूप गोस्वामी प्राइवेट सेक्रेटरी और सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री राजा नाम का राजा इनको काम करने वाले यही दोनों भाई और तीसरे भाई से अनुपम जी वो खजाना इनके हाथ में था।
भाषा चारों तरफ के युद्ध में जय करते इधर उधर घूमा करता है। जब से चैतन्य महाप्रभु जी की उपस्थिता हुई राजकाज में मन नहीं लगता था, जाते तो थे किंतु मन नहीं लगता था। स्वरूप गोस्वामी का मन एकदम विरक्त हो गया। उन्होंने सारा रुपया वहां का लेकर जो उनको पालना था मालिकी राज्य के सब रुपये में लेकर के आधा ब्राह्मणों में बांट दिया, आधा काधा भाग लेकर के परिवारजनों में उनके पालन पोषण करने के लिए दे दिया और चौथाई भाग रख दिया सनातन गोस्वामी को बंदी शाला से छुटाने के लिए। ये लोग सब सब कुछ जानने वाले भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले होते हैं, सोचा कि इनको जरूरत होगी। वैष्णव लोग भी कभी कभी घूस देते हैं, कोई कोई नीतिवादी लोग घूस नहीं देते, किंतु वैष्णव लोग सब कुछ कर सकते हैं कृष्ण के लिए। न धर्म ना धर्म राधा राधाकुंदम गिरिवमहो राधिका माधवासम प्राप्तो जस्य प्रतिशतया संगुरुं ततो रवे गौरचंद्राय राधिकायै सदाधे कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताजनुः कवैवास्मि नदीवामिस्मरात्रा हमारा जिस स्थान से एसएससी से स्थान अत्यंत गोपनीय एवं की कृष्णेरो साधना आराधना रीता जाएगा महाप्रभु एकांत अनुगत छाड़ा अन्य को संप्रदाय निकटे परिचित नल्लभाचार्य संप्रदाय निम्बाद संप्रदाय रामानुज तक खड़ी अन्य को संप्रदाय से स्थान महिमा आदि से स्थान असंत दुर्लभ महिमा ये स्थान नाम से जाबत श्रीमती राधिका राजभवन এইটাই শ্রীমতী রাধিকার স্থান, এইটা মোটামুটি বুঝছে। এইখানে ছিল ভক্তিগুলোর ঠাকুর বলছেন যে বিশ্বভানুপুরেতে আবার কখন জন্ম হবে আর বিবাহ হবে যাবে। আরো আমাদের সব প্রবর্তই এইটি প্রসিদ্ধি এইখানে সে কৃষ্ণেরই ছায়া অভিমন্যু এখানে থাকে, তারই মায়ের নাম জটিলা আর তারই ভগ্নের নাম জটিলা। এখানে বিবাহ হয়েছে খালি তার সফলতা ইত্যাদি এইখানে সে বিভিন্ন প্রকারের শ্রীমতী রাধিকা তারা যখনই সেবা করে তিনি বলেছেন যে ওই পাশেই সে কোটি বংশে ওইখান থেকে কুহু কুহু শব্দ করছে এমনকি তার সমস্ত বিচিত্র লীলা এইখানে হয়েছে। যদি এই যাবৎ না থাকতো তাহলে পার্টিও খাওয়াটাই থাকত,
থাকাকালে যশোদা মা মনে মনে চিন্তা করছে, যশোদা চিন্তা করবেন কি আমার বাচ্চা কানারে দুবলা পাতলা হয়ে যাচ্ছে, আমার বাচ্চা লালা দুবলা পাতলা হয়ে যাচ্ছে, খাতা কুচ নেই, যত ইলেকট্রিয়াম বানাতে হ্যাঁ वो कुछ भी नहीं खाता, लगे इसको क्या हो गया और बनाते जी से पूछा हमको क्या करना चाहिए, हमारा बच्चा दुबला पतला रहता है, खाता पीता नहीं है। उन्होंने कहा ब्रज में राधा की नाम की एक रानी है, अभी रानियों की पत्नी है, सुधानु महाराज की लड़की है, सुधानु महाराज से उनका अधिक संबंध है, वो यदि रसोई बनाने के यहाँ आ जाए और वो रसोई बनाए तो कृष्ण को बहुत निष्कर्ष हो जाएगा और वो अजरमर बन जाएगा, कभी इसको रोग नहीं होगा और बड़े बड़े दैत्य दानवों को भी मार सकता है, सब प्रकार से मैंने कहा कि आपकी सहायता के बिना नहीं बुला सकती, अपना सहयोग खड़ा में बात करते हमारा कथा ही सुन देगा, अच्छा तो तुम्हें प्रयास करो, हमें प्रयास करो जिसका देवी शासन में मेरे परिवार संग बंधु तो कर उनको सखी बनाया, बहुत लोग दिया प्रस्ताव किया, डरते डरते ये तुम अपने बहू को उस दिन के लिए हमारे घर में नंद गांव में रसोई बनाने के लिए भेज दिया, वो तुम्हारी जैसी बहू है वो हमारी भी बहू है, तुम्हारी जैसे लेती है मेरी भी बेटी रहेगी, और अपने घर से उपहार लेकर के कपड़े लत्ते आभूषण सब लेकर के उसे यहाँ कहते हम नहीं भेजेंगे, तुम यहाँ के राज्य में भरे तुम अपने बहू को तुम्हारे घर में किस लिए भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। पूर्णमासी जी आकर के दिन बोली, अरे यशोदा जी ने कहा आप तुमने उसको मना कर दिया, तुम्हारा लड़का मर जाएगा यदि तुम उसकी बात नहीं मानेगी, हम जानते हैं भविष्य रास्ता है, तुम्हारी कहीं है सर मर जाएंगे, तुम्हारी जो तुम हारा जाए वो तुम मंत्र भेज जाए, जल्दी से उसके पहले से भेज दो, कोई चिंता की बात मत करना, मैं नहीं फिर राजी कर दिया। इस प्रकार से तो प्रतिदिन यहाँ से यहीं से जाकर नंद गाँव में और सही बना प्रतिदिन एक अंत के लिए रहना तो रोहिणी माता कह रान से पटु छिले बहुत ही चतुर्थी रसोई बनानी, किंतु राधा जी के सामने उसी स्थिति पड़ जाती, वो केवल समान एकत्रित करके और राधा जी के हाथ पहुंचा देती और समस्त सखियां सब मिल करके और एक साथ में 10-20 चिन्हों पर बड़े सुंदर रूप से रसोई बनाती और कृष्ण खाते बीच में जब यहाँ के चलती थी सखियों के साथ में सुंदर लता उनको बुलाने के लिए आती थी, कदम बटे बीच में पड़ता है, माच करने से कदम बटे कदम बटे रहे थे कृष्ण गोगमन करवाते हैं ना, वो खाने से खाते पूरा गोली रास्ता भी आज से आज कृष्ण जेल से गोलगुली के लिए रास्ता ऊपर से रखे दीते आज दो पास गोल गई तो माच खाने रास्ता श्रीमती बोलते हैं हमने खाने दे तो लड़का बोलते हैं तुम कर करो ना कि हम कर दिले तो खाए से चले जाए तापर से नहीं आज से कृष्ण उल्टे से गुरु एमन भार मेरे से अनेक दूरे जाते हैं आत्मा सुख मंडल एक बार दूसरे से प्यास करे समस्त दूर से एकदम भर गया ऐसी ऐसी लीलाएं करता राधा जी भी उनका दर्शन करने के लिए कभी उनके गले में माला मयूरों की मणि माला
তারপরে ওখানে যেতেন রান্না ইত্যাদি করতেন। এক সময় কোন কারণবশত শ্রীমতী রাধিকা খুব অপছন্দ হয়ে গেছেন, মান কার হয়েছে, আর যাওয়ার থেকে ওখানে যান না। যাওয়ার সময় গাই জানি কৃষ্ণ সুচাকে কাছে মানে বলতে কাহা और कुटिला कुटी प्रकार की वो है, वो हवा के गंध से भी जान लेती है कृष्ण की घर से आया कृष्ण, और सब समय उसको गाली गलौज करती है, बड़ी कड़ी नजर रखती है, बहुत कठोर नजर रखे ऐसी बोले कठोर समय कथा बोल देता हूँ। कृष्ण ने सोच विचार करके बटुक का वेश मनाया, लक्ष्मण ने ब्राह्मण बालक पहुंचे जाते कोई लोग किसी बंदे नहीं है, गला से माला खराब कर लिए थे, বগলের বই কাঁদিয়ে নিয়েছে, ছাত্রী লেগে কাল একদম একটা বেশ বানিয়ে দুই সমস্ত একবার ফাটে গেল। আরে অভিনয় যে আমরা বুঝতে পারি না যে সে কে যাচ্ছি, এক নাটক মে হম লোক নেই সমাজ পাতে যে কোন ওই ব্যক্তি হয় ও সট গিয়া হয়, আর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান আয়ুষ্মা করলে যোগ মায়া তাকে এমন সাজিয়ে দিয়েছেন সত্যি সত্যি একটা ছাত্র বালক পুতুল হয়ে গেল। সেখান থেকে অলাপ নিরঞ্জন, অলাপ নিরঞ্জন, অলাপ নিরঞ্জন মানে কে ইহা তো অদ্বৈত পারি সন্ন্যাসী কাহিনী নেই, অলাপ নিরঞ্জন অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরাকার হয় বই মায় প্রকার, আমি সেই ব্রহ্ম অলাপ তাকে দেখতে পারেন নিরঞ্জন कोई उपाधि नहीं है, तो वो है तो स्वयं अलग निरंजन जगत के दृष्टि से नहीं दिखे जाते, और निरंजन कोई उपाधि नहीं है उनके अंदर, बात तो ठीक है निर्गुण है, ये तो आप वही उपाधियों का ये सकते ऐसे ही करते करते यहाँ पर पहुंच गए। जब जाके घर में अलग निरंजन करता के दीक्षा मांगने लगे, हम लोग अभी ब्रज में ब्रह्मचारी बटु आया ফলেতে গেলেন আর সুন্দর সোনার থালাতে আটা, ওখানে বাংলাতে চাল সেখান থেকে আটা ডাল মেয়েটা যা কিছু আছে সব কিছু নিয়ে আসবে, বলে বাবা তুমি লো। উনি বললেন যে আমি তোমার হাতে চলব না, মানে তোমার হাতে নেই লুঙ্গি লুঙ্গা কেন বাবা তুমি নিলে না, তুমি বিধবা তুমি বিধবা হোক তোমার হাত থেকে নেই বিধবা তার লোক কাহার কান নিয়ে যেতা আমি যা হম সুন্দর ঘর মে চলা যাঙ্গা উহা তো তুমি ভিক্ষা নিয়ে যাই ঘর মে লোকের ঘরে যাবো কুটি ভিক্ষা পাওয়া যাবে, আমি এক জায়গাতে শুধু দহন কাজ যত 5 মিনিটের মধ্যে গল্প করা যায় 5 মিনিট মাত্র থাকে, বাবা আমার সর্বনাশ হয়ে যায় না, সবাই সবাই আগে বহু কাজে সবাই খালি হাত লো যায়গা, যদি তুমি খালি হাতে যদি চলে যাও তাহলে তো আমার সর্বনাশ হবে, আমার গরুগুলি নষ্ট হয়ে যাবে, আমার ছেলের অসুখ নিচু হয়ে যাবে, আমার কোন ছেলে নাই নাতি নাই, এত নাতি আমার বাড়িতে সমুদ্রে
उनको मना नहीं लग गए कोई ना जल्दी से जल्दी करना है तो तुम्हारे घर में कोई एक्टिव हो वो है तो बुलाओ नहीं तो हम चल जाए बाबा तुम काटो तुम्हारा हमें पाए कोई जल्दी अपनी बहू माँ से बोली आप तो बहू माँ से बोल रहे अभी बात सुन रहा है बात बटू अभी आपको ना अभी कंफर्म जाबो हमें कोनो पर लोग के साथ एमन ही तो तुम्हारा प्रोग्राम कर हमको कहीं नहीं गए हमारी बदनामी करती है हम नहीं जाएंगे अभी थोड़ी गए हमारे देश सर्वनाश हो तुम्हें किसी चलो कुछ नहीं कर सको लालसा विशाखा उनके चरण को पकड़ के बोलिए बेटी तुम लोग उनको तैयार कर सुने तो हमारा सर्वनाश हो जाए हमारे हाथ से वो लेता नहीं है और वो सन्यासी बड़ा तेजी है वो बच्चा जरूर कुछ अभी संपाद लेकर के चला जाएगा और वो एक मिनट से सारेगा नहीं लगे जल्दी से जल्दी छोड़ो तब उन लोगों ने राजा जी से कहा फिर अंत में अच्छी बात है ठीक है चल सुन यही बोले सुन तो सुना हाला सब दिन लेकर के अक्षरी जा करके गई कृष्ण ने लिखा जैसे हम जिसको चाहते थे वही आए हम जाके क्या फिल्म चाहिए थे गुरु तो एकदम यहाँ तक लटका दिया जैसे गीता के रीतियां हैं गुरु ने एकदम नीचे तक लगा दिया अब खाल में लेकर के जब वहां पर कौन सी भिक्षा देने के लिए जब भिक्षा के बाद जीते लग रहे तो बेटा समय नहीं लेता अगले सतवा है विधवाए लेने में क्या है तुम्हें खेल लगेंगे हमारे तो देखते पुरुष लड़ेगा कि तुम हमने रकम दी सुन लड़का है कि स्त्री है कि क्या है हम नहीं लेता कैसी ने कहा जल भाई फिर जब देने लगी तभी मैं ये शिक्षा नहीं लेता मैं तो किसी शिक्षा के लिए आया विशेष शिक्षा के लिए आप सारे पर मानी तो मैं सोच सकते और आपके बिना मैं रह नहीं सकता तुम भी हमारे बिना नहीं रह सकता ये बात खराब नहीं सकते पर ना अमित मार को मिलता ऐसा ना मैं दिखा दे ऐसे कि ऐसी बोली हमारा तुम्हार मन उसी शिक्षा मार थोड़ी से तुम्हारा जो मन है हमारे वही हमारी शिक्षा में दे दो ये सब हम लेकर के क्या करेंगे गणेश प्रकाश ने आज फिल्म की रानिका जी पूरा दिया अरे तो तुम उठा दिया और फिर इसके बाद में मुस्कुरा कर जो कुछ लाई थी उनके सिर के ऊपर में डाल दिया और धाम करके बैठा कृष्ण जी का भी मनोरथ पूर्ण हो गया उनका मन शिक्षा के रूप में ले लिया ऐसी सब लीलाएं थी एक समय कृष्णचंद्र जी देखा दो ही बतलाऊंगा जसोदा मैं अपनी पिताजी में बक्से में मुझे पिताजी मेरे बक्सा के बड़ो लंबा चौड़ा बांध लो और बांध से सुंदर सुंदर सोना आभूषण जमारा रोटी हीरा और स्वर्ण जटित वस्त्र पुलिस सजा थे वो सजा रही है बक्से के अंदर में सोना का कंगन सोने का हार ये यहाँ पर चूड़ा मनी कमर की करते हैं और अक्षर से अलंकार श्रेष कीमती अलंकार से भी सजाते हैं कृष्ण हटात कर चले आते मन पर ये कृष्ण जाते ना देखे किंतु कृष्ण हटात करे तो काटे गए माँ इगुली क्यों कष्ट माँ तुम जाओ तुम चले जाओ अपने पीछे आ जाओ माँ मर के बोलता प्यार से साथ में उनका थोड़ी पकड़ करते और प्यारे बंद करके मर गया तू बता दे हमें तो ये क्या करें हमारा पर्सना तू नहीं आ रहा है हमें पहन रहे हमने हमारा तकलीफ पर आ गया कि हमारा वस्त्र बात
आदमी कुछ बोले तुम जा तुम तो बच्ची ना ऐसे जा पर ऐसे हमारे संग कुछ सच में तुम बात समझ गए ये जा रहा है जावट में ये जाएगा किसलिए ये जटिला है वो प्रसन्न रहता के रोज रोज से जा रहा है जटिल इनके बहू के लिए इतना उपहार दे रही है बहू जन ना तुम पहाड़ भालो भालो बीच से जब भी ना पढ़ाई करता सीधे ना एक लोग है ना पढ़ा दे जाए तो जो सुना ना करे खिलाए ठीक नौटा समय तुम्हारे पुत्र अपनी मंदिर का पार्टी दिले हमारे उठाने जटिला है जटिला को कहा जाए तुम अपने पुत्र को 9 बजे ले जाना कल रे नहीं तो दूसरे को दे देने से ये बेचकिन की चीज पर भी खोल लेकर के इधर उधर चला जाए तो तुम्हारे बहू क्या नहीं कौन देगा इसलिए अपने स्वयं लड़के को भेज देना अभिमन्यु उठाने उपस्थित में चंदन लगा वक्र का ये दिया उसे वक्र खा जाकर फिर जो सुदामा किसी काम से गई और उधर तक तो सुबल सिद्धांत को लेकर के आ गए सुबल सिद्धांत के लिए से गए थे जो तो कातोड़ चाकोड़ जाए अरुण खास का पुलिस बाहर कर दिए बाहर कर लीजिए आते खाने लीजिए बस दिए सुबल से आती थी सुबल को बैठा सुबल ने उनको बैठा करके और उसने राधा और चाबी को अच्छी तरह से लगा दी जैसे पहले लगा था बस वो आया और अभिमन्यु आ करके और अपने पर उसको उठवा दिया और स्वास्थ्य और चले करके वो यहाँ आया आ करके अपनी मैया के पास में रखा मैया ने कहा जैसे हमको ये सब की क्या जरूरत है बहू पहनने की कपड़े लगते ये सब घर में जाकर चल रखाओ घर में हमसा मार ले आया और हम तो माने देंगे ताकि ठाकुर ठाकुर चले बादशाह रख दिए तरह तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर करते हैं कभी कभी उनके घर में आकर के बैठ गए और इतने में जटिला सुशीला को कंधा लगे कि जरूर आया है ये जगह कहने ये देखे ताकि खुलते रहने को था कृष्ण ने देखा जी भैया तो खुलकर के हमने बाहर कर लिया यहाँ पर उसको दे दीजिए तो कृष्ण घर पर कालो धारण कर लिए ऐसा गेरू मट्टी लगा लिया और काली का लड़का लगा करके और साइड पार करके बाटवाई पर खड़ा हो गए काली जैसा पार कर दिया ऐसा देवी प्रकट हो गई देवी ने कहा जल्दी वर मांगना है तो मांग लो वहां से देख करते नमस्कार करके ऐसे ही सब मिलाए बड़ी अब अधिक रही आप लोगों को भी लोग उत्पन्न हुए जाओ में भजन की जल्दी बात से पहले भजन करते 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 गुरु वैष्णव की सेवा करते करते यदि यहाँ के गुरु प्रणाम भी हो गए प्रवेश आगे नहीं होता लाखों करोड़ों वर्ष तक लाखों कोटि वर्ष तक पर्यम तक जन्म जन्म में तो खड़े के भगवती बने रूप सनातन की कृपा हो गए और तापर वही समस्त मध्य प्रवेश करके रोग उत्पन्न हो गए दूसरी जगह विवाह नहीं है ऐसे छाया में आकर के और उसके साथ में पानी ग्रहण किया इसी तरह से बहुत सी लीलाएं हैं ब्रज में कुछ नहीं कहा जाए अभी हम करेंगे नंदगांव में यही से बात में एक दो आज में पड़ेगा वो फिर कदम यहाँ पर वो खड़े होकर के रात ऊपर में बैठ जाते के ऊपर में वहीं से बंसी बजाते लाखों कोटि गाय वहाँ पर चली आती मरने से जो माला तुलसी से लाखों कोटि को समझ जाते हैं और पुकारते उसको बंसी नसीब हुई आ जाती इसी प्रकार से ये सब लीलाओं का स्थान है हम लोग ऊपर चलकर नंद बाबा का स्थान
पूज्य पुत्र ब्रह्मा एवं शंकर बहुत दिन धरे तपस्या एवं कृष्ण आराधना करे प्रथम कृष्ण प्रदीप में चार करके बोली चले जैसे तुम्हारा की चाओ तुम लोग क्या चाहते हो प्रथम ब्रह्मा जी बोले चले जेखने अपना दिया विभिन्न प्रकार क्रीड़ा करें प्रथम बोले थे जन तहा लीला हमारे ऊपर जन हम जनो पापर पहाड़ भाई जन्म ग्रहण कर या तहा ऊपर तहा लीला तखन बोले जैसे एवं मस्तु ऐसा ही हो तखन तनि ब्रह्मगिरी ब्रह्म पर्वत है बरसाना से तनि जन्म लाभ आए खरे नंदी शंकर महादेव तनि भगवान परम भक्त श्री साहब निकले से प्रार्थना कर लेंगे हमी क्योंकि अपना चरण धूलि हमारे मस्त में मस्त कहते सब समय पढ़ू जंग अपना धोन नंद बाबा धोन जनो अमार परे से बहु सकल यही खाने से शंकरी महादेव एक पर्वत से नंदीश्वर कहा नंद बाबा प्रथम हरण समय से एक खाने सत्य एक नारायण सिंह नाम के अजामी सातवी की पत्नी दी दिन पत्नी मध्य एक गाड़ी नहीं अरे छिलेन खत्रियानी खत्रियानी बढ़े थे नंद बाबा बाबा परजन्य जन्म ग्रहण कर ले परजन्य परजन्य मानी थी मेघ व्यवस्था करे और एक जने जे छत्रियानी छिलेन तार थी के पुत्र होलेन तिनी हो तार नाम होले सुसे दू जन भाई लागले एक की छत्रियानी गर्भवती के और एक जन बाले नी गर्भवती के ये दोनों भाई रखते हैं नंद इसके बाद में परजन्य के पुत्र हुए नंद महाराज उपानंद नंद सुनंद अभिनंद आनंद पांच जन पुत्र अब सुसेन पुत्र नंद वसुदेव महाराज कहा बड़ो भाई लागते पुत्र से इन्हीं अन्न माता को उत्पन्न তাদের সঙ্গে কুটুম্বগিরি ছিল পার্বতী কালেতে নন্দতিকে হলেন কৃষ্ণ আর বসুদেব মহারাজ কৃষ্ণের পুত্র তার থেকে অঙ্গ বলদেব হলেন আবার এরপর বহু রকমের ভাষা আমি বারবার বলেছি এইসব কৃষ্ণ কিন্তু আংশিক রূপে তে বসুদেব দেবকী গর্ভে তে ऐश्वर्य भाव धारण कर रखने थे आविर्भूत होले आनंद भाव ने थे जसोदार गर्भे सीखे जन्म लीला प्रकाश करे एक समय से जिनको पास दूजन आविर्भाव वैसा ने आविर्भाव एक ने थे जन्म लीला को खाने होलो की रकम हवे थे एक ने पूर्वे तहां बस बात करते परजन्य किंतु कहा पांच जन चले बोले सब जगह के विवाह दिए थे सब लोगों की शादी कर दी नंद बाबा भी की शादी जसोदा जी से भी किंतु सबको होने पर भी सबको तो सुहा चार भाइयों को किंतु नंद बाबा को कोई पुत्र नहीं नंद बाबा को छेले बनो ना अनेक दिन तेरी प्रतीक्षा कर लेंगे हमारे को एक दिन नाती हो नंद बाबा छेले हो বয়স তার বাড়তে লাগলো তিনি প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হলেন 50 বছর প্রায় বয়স হয়ে আসলো কিন্তু তার কোন পুত্র নাই তখন এইখানে যে একটি বন আছে নিকটেতে তার নাম যে আশিষেশ্বর মহাদেব আশিষেশ্বর মহাদেবের নিকটেতে ওইখানে তিনি প্রতিদিন স্নান করে আর ওই শঙ্করে আরাধনা করতে লাগে আরাধনা করতে 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 শঙ্কর সন্তুষ্ট হলেন তিনি তো দেখলেন এই নন্দ বাবার নিত্য পুত্রই কৃষ্ণ
তখন আমার বলতে দোষ কি? আমি বলে দিই, তখন তিনি বলে দিলেন যারা তোমার নাতি হবে খুব সুন্দর, আর জগতের মধ্যে সেটি প্রসিদ্ধ হবে, নারায়ণের সমান তাহার পুত্র হবে, পরম সুন্দর, সকলকে আকর্ষণ করবে, তুমি কোনো চিন্তা করো না। তখন সেই বর্ণে আসেন প্রসন্ন হলেন, এইখানে তিনি ফিরলেন। কিন্তু এখানে কেসি ব্যক্তির যেরকম হতে অত্যাচার বাড়তে লাগলো, এবং অশুগণের অত্যাচার বাড়তে লাগলো, শেষ পর্যন্ত এখানকার গরিবর সব ভাগ চড়ে নিল, গলাদের তো চাই, গোপদের চাই ঘাস গরুর জন্য, আর খাবার জন্য জল চাই, আর তাদের কোনো প্রয়োজন নাই। এই জন্য কৃষি ব্যবসায়ের নানা প্রকারের অত্যাচার করতে লাগলো, কোন সে চর পাঠাইতে লাগলো, আর এদিকে দেখলেন যে সেখানকার ঘাস পুলি সব শেষ হয়ে এসেছে। বিচার করলেন নন্দ বৈঠক, নন্দ বাগের তাহাকে ওইখানে বসে বিচার হলো যে কি করা যায়। তখন দেখলেন এখানে আর থাকা চলে না, আমরা চলি এখন যাই মহাবনেতে, ওইখানে নিকটে একটা যমুনা নদী প্রবাহিত সুন্দর বন, বিশাল তাহার এরিয়া, তার নামই হচ্ছে মহাবন। গরুগুলিকে চলবার জন্য প্রচুর ঘাস রয়েছে, কোন উৎপাদ নাই, কিছু নাই, চলো ওখানে যাই। বিশ্বভানু মহারাজ তার মিত্র ছিলেন, তিনি বলছে বাবা তোমরা যদি যাও তাহলে আমিও সঙ্গে চলি। নন্দ বাবা ছিল কত গরু, আইনা ছিল 11 লক্ষ, সব প্রকারের নন্দ বাবা থেকে তিনি কমান নাম করেন। এখন তারা দুজনই করে দিয়ে তিনি চলে গেলেন মহাবাণীতে, আর উনি চলে গেলেন পাশে তার শ্বশুরার শ্বশুরার ছিল, তখন তিনি চলে গেলেন রাউলেতে, ওইখানে থাকতে লাগলেন। কুছ সময় পরেতে অল্প সময় পরে কৃষ্ণের ওইখানে যে প্রার্থনা হয় ওইখানে আমেরিকা প্রকাশ করে, এবং অন্যদিন পরে কৃতিকা সুন্দরী গর্ভেতে শ্রীমতী রাধিকার জন্ম হয়, অথবা কমল পুষ্পেতে যেরকম আমি গঠন করেছিলাম ওখানে রাবেতে যমুনা স্নান করতে পুষ্পানু মহারাজ রাধিকাকে প্রাপ্ত করে উনকো রাধিকা করলি, আর উনকো লেখা কে কৃতিকা কে। আর এই 15 দিন কি ছোটি বড়ি হ্যাঁ রিলায়েন্স নেই সব, ফির ওহাঁ সে জব দেখা যে সুতনা আর তৃণাবর্ত সকটাসু যে সব উৎপাত করনে লাগতে যমলার্জুন ভঞ্জন হুয়া, উসনে ভি কৃষ্ণ কে বিপত্তি কি বাতে হুই, সোচা যে আব ইহাঁ নেই রহনা হ্যায়, বস ওহাঁ সে গায়ন কো লেকর কে আপনে প্রিয় পরিবার কো লেকর কে কৃষ্ণচন্দ্র জি কো পিতা নন্দ বাবা চলে গে ছত্রিকা মে, ওই পর আপনা বনায় নগর বসায়া, গায়ন সে নগর চলতা থা, ব্রজ মানে কি ব্রজ ব্রজাতি বিধি ব্রজ মানে চলাতি চলতা হ্যায়, গাড়িয়া পর লে লিয়া সামান, গাড়ি কো কহাঁ দিয়া বছরো কো লে লিয়া, পরিবার কে সাথ মে চলে গে, যহাঁ গে বস ওহাঁ পর ঠহর গে। इसी तरह से ये सब गोकुल है, इसका भी नाम गोकुल है, जहाँ जहाँ गायों को लेकर के गोकुल कुल माने समूह, गायों को लेकर के गो गायों को, गो माने गो वस्त्र, गो माने गो, गो माने गोपी, सब लोगों को लेकर के चलते थे। कृष्ण छत्तीसगढ़ में पहुंचे और वो बाकी नया राल ग्राम में स्थित वहां पर पहुंचे, फिर वहां से राधा कुंड इत्यादि पास कर रहे, फिर वहां से काम बन को आया, फिर गांव जिसको अभी कहते हैं खेलन बना, राधा जी कृष्ण वहां पर भी कुछ दिन रहे, और फिर लौट करके जब आए तब उस समय उनकी उम्र पौगंड उम्र हो गई थी, पौगंड माने 5 से लेकर के 9 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर में जो उम्र होती है उसको पौगंड कहते हैं। पहला बचपन यहाँ पर जन्म हुआ वहाँ, और कौवे से हुआ में
फिर 8 बरस से और एक चतुर्पादी का एक एक दिन का हिसाब दिया है श्रीमद भागवत किसी का कहाँ पर कैसे रहे कौन कौन सी लीला कौन कौन सी तिथि को ये भी वर्णन किया गया जिसे जानने के लिए श्रीमद भागवत की टीका देखे। फिर यहाँ पर आकर के गोपाष्टमी अब आने वाली है, हम लोग गोपाष्टमी को यहाँ आते थे, गोपाष्टमी दिने चल रहा है आज तक गोपाष्टमी को यहाँ पर बड़ी भारी सुंदर से प्रोसेशन लेकर के गोप लोग गायों को लेकर कृष्ण और बलदेव गोचारण करने के लिए जाते हैं। दलित यशोदा जी यहाँ पर तरह तरह से कृष्णदास श्रृंगार करती है, मोर मुकुट पहना देती है, ब्राह्मणों को अस्थि वचन भाषण करते हैं और मस्तों से उनको छोड़ती हैं। जब जाती हैं तो बहुत दूर तक उनको पहुंचाने के लिए जाती हैं और एक दूर पर्यंत यशोदा नंद बाबा आपको जब आती रहा पूना के लिए जीत दिया कृष्ण सबक करते मैया तू लड़ गया पिताजी आप लौट जाए। फिर उनको लाल लड़ा करके आशीर्वाद दे करके और तस्वीर उनको छोड़ते हैं। बलदेव जी प्रतिज्ञा करते हैं मैं इसकी सब प्रकार से रक्षा का भाव अपने ऊपर ले लेता हूँ। यशोदा जी की एक दासी थी उसका पुत्र वो सबसे तपस्या करती थी जो हमारा लड़का एक ऐसा पैदा हो बलवान जो कृष्ण की सबसे रक्षा कर सके ऐसा ही उसको पुत्र हुआ। वो कृष्ण से बड़ा हुआ, कृष्ण के तरह तरह के सखा हैं, कोई सखा कोई प्रिय सखा कोई प्रिय नर्म सखा कोई सुभिन सखा ऐसे सब सखा है। इसका भी बड़ा रस्मे विभाग है, प्रिय नर्म सखा उनके गोपियों से मिलन में भी उनका संग देता है, ऐसे सखाओं में सुबल सिद्धांत मधुमंगल इत्यादि लवंग इत्यादि है तो कृष्ण है। सखा लोग उनसे छोटे हैं उम्र में और उन कृष्ण की चरणों की सेवा करते हैं, जब जब कोई जरूरत होती है गैया को हाथ करके लाते हैं, बस सब सखाओं को लेकर के दो चार करने के लिए कर जाते हैं प्रतिदिन। और प्रतिदिन जब आते हैं लौटते हैं तो अट्टालिकाओं से गोप्रमणिया उनका दर्शन करते हैं, कई कुंडी से दर्शन करती हैं। इस प्रकार से सब लीलाओं का यहाँ पर ये सब लीलाएं संपन्न करते हैं। यहाँ पर हम लोग के गोविंद लीलाओं और विशेष करके गोपाल चंपू इत्यादि में जी गोस्वामी का वर्णन है कहाँ पर रंगम सारा थी नंद जी का रहने का घर कौन तो सुधा जी का घर कौन सा है बलदेव जी रोहिणी को लेकर के भैया के साथ में कहाँ रहते थे ये सब का बड़ा सुंदर वर्णन है। रसोई घर के पीछे सुंदर बगीचा है जिसमें तरह तरह के कदम संभाल और तरह तरह के फूल फल वाले वृक्ष है, उधर भी दरवाजा है इधर भी दरवाजा है, रसोई घर बीच में है। रसोई घर से एक तरफ में कृष्ण जी का घर और बीच में एक स्थान है जहाँ पर श्रीमती राधिका रसोई करने के बाद में जब शांत हो जाती है तो उसमें आती है, वही से राधा कृष्ण का दर्शन होता है। हम लोग का परम सौभाग्य है कि ऐसे जगह में हम लोग आए हैं। हम लोग हमारा सुनी हमारा मस्त कहते धारण कर दिए नंद बाबा से सुधा मैया कृष्ण राहुल जी रोहिणी जी सब परिणाम करके प्रयास कर दिए पर हमारा सर्व सब पूछेगा आत्मा शिकायत कर लिखन का पाना खुद सुखी जमा दे गरीब लोग अल्प बैठे से की गमन करेगा कहना एक तो असुविधा से आ गए अपना जब किंचित सुन कम से कम एक टाका तो अवश्य टाका दी सकता सवाल लाभ ना दिले कोठा दी दे कहाँ से लिए आप इसलिए पंडा जी के लिए जरूर आप लोग यहाँ पर एक रुपया दो रुपया पाँच रुपया हो सके यहाँ पर और बचना रहे ये दो जगह बन चुका है। इसके बाद में तो इसलिए पंडित को देना चाहिए कुछ दान विश्व पूजा स्वास्थ्य होना चाहिए इसलिए आप लोग सब पंडित जी के लिए कुछ कलेक्शन करके दे दीजिए हम लोग इन्हें कर्मों को दे दें हुए हैं। ये स्थान है उद्धव क्यारी, यहीं पर गोपियों के साथ में उद्धव जी मिले थे। अभी हम लोगों का कीर्तन बंगला में बड़ा ही सुंदर सरस कीर्तन है, भावपूर्वक की कीर्तन करने से ऐसा कोई भी पत्थर तक भी नहीं होगा जो कीर्तन नहीं जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कीर्तन कर रहे हैं, बंगला जानने वाले लोग तो कीर्तन से ही समझ गए
जैसे हिंदी जानने वाले हैं उनके लिए उस कीर्तन का थोड़ा सा भाव मैं बतला रहा हूँ। हमारे छह गोस्वामी थे, रूप सनातन, जीव गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, ये छह गोस्वामी थे। उसमें से ये रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उन्होंने ये पद लिखा कभी राधा कुंज में, हा राधे हा राधे हा राधे कर। कभी श्याम कुंड में उनकी हृदयेश्वरी आराध्या देवी राधिका थी, वो तो कहते हैं कि मुझे ब्रजवास से कोई लाभ नहीं, हमें राधा कुंड में रहने से भी कोई लाभ नहीं, हमें कृष्ण से भी कोई जरूरत नहीं है यदि राधा जी की कृपा नहीं होगी। आशा भरी अमृत सिंह मई कथनचित काल मय आते संत समझी पंचेत कृपा मई विधस्य नहीं सिंह प्रजेन बरोर बकारिणा थी। कृष्ण से मुझे जरूरत है, कृष्ण से हमारे को दरकार है। राधा कुंड से के लाभ थी, वृंदावन से मर थे के लाभ थी यदि राधा रानी कृपा न हो। এই জন্য কখনো রাধাকুণ্ড, কখনো গোবর্ধন, কখনো নন্দগাঁও, কখনো এই স্থানে গড়াগড়ি দিতেন, পাগল হোকরকে মত্ত হোকরকে কবি ইহা লোটতে থে, কবি ওহা লোটতে থে, খানা পিনা সব কিছু ভুল যায়। অব রাধে প্রেমময়ী কোথায় গো রাধে, কোথায় গো রাধে, এই সব বলতে উনোকা জীবন চরিত্রহী রাধে জীবন চরিত্র কৃষ্ণ প্রেমে থে, রাধারানীর ভাবে থে বিভোর, কোথায় আপনাকে আমি পাবো, এইভাবে তিনি কীর্তন করতেন। এই কীর্তন কীর্তনে বর্ণন কিয়া যে কবি গোসাই রাধে রাধে নাম উচ্চারণ করলে কে রা রা কহ করতে বস বামে মুচে তো ধা শব্দ উনসে নিকলতা নহীঁ থা আর জমিন মে লোটনে পোটনে লগতে থে। ইয়ে স্থান মে ভি আয়ে, রূপ সনাতন জি আয়ে, রঘুনাথ দাস গোস্বামী লোক আয়ে, चैतन्य महाप्रभु जी स्थान में आए, नित्यानंद प्रभु जी स्थान में आए, यहाँ की चरण रज अपने सिर पर रखा वृंदावन में। इस स्थान का एक विशेष महत्व है, यही वृंदावन है एक विशेष धार्मिक के आस्ते कौन आएगा यहाँ इस जंगल में। कृष्ण के समय में भी यहाँ पर कौन आता, उद्धव जी तक नहीं देख सके इस वन को, और कोई भी ब्रजवासी लोग नंदगांव के भी इसमें नहीं आते थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था ये सब कुछ। आज से हम लोग पहले 40 वर्ष पहले गुरु जी के साथ इस वन में आए, और उस समय में यहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे कदम्ब के वृक्ष क्यारियां लगी हुई थी, क्यारी को तो वृक्ष लो सब हजार हजार वन ये कदम्ब के वृक्ष, उनके फूल से सुगंध से भरपूर हो जाता। इसमें मयूर नाचते थे, कोकिल बोलती थी, इसमें धीरे धीरे अब देख रहे हैं कलयुग है, उनके बदले में ये सब बबूरों का पेड़ बन गया, बावला वृक्ष बने, सब गाछ को अंतर्ध्यान हो गल कम क्रमे साधु संत अंतर्ध्यान हो। आज से बहुत कम अब साधु संत लोग विशेष करके इस भाव वाले इस ब्रज में भी यार कहीं भी है, बहुत कम है, है तो बहुत कम है। इसी जगह में कल मैं बतला रहा था शाम को विकाल बेला में एक ही बड़ी कथा बोलते छा, श्रीमती राधिका जी यानी कमल के सेज पर, कमल फूलों के सेज पर सोई हुई थी, कमल पुष्प सज्जा पे सो जाती और चंदन में कस्तूरी मिला दी गई और जलता है कर्पूर इत्यादि और शीतल सुशीतल बन गया, राधा जी के अंगों में लगा दिया, कांचन पुतलिका है उन्हें सोनार जने जेरकम गोरिये दे उनको मने तो खूब पतला स्वच्छ का बिछाना और पोष लिया, कमल पुष्प गुलिये कर रहे थे सुमार दे गल, चंदन गुलिये कर रहे थे सुखे गल, दूर थी के वही दिख दिए उद्धव के गोपी गण एक खाने से प्रवेश कराएंगे, प्राण आचे कि ना आचे जाने फिर समय से ताके निकटे गोसी अभी लो सब गोपी गण इन्हीं भाव रत नेत्र से देख दर्शन कर चैन
कौन कृष्णचंद्र के मथुरा से आई कर हमारे तो छेड़े गए और वोने जदुरमणि बनते नहीं है लीला इत्यादि यही संगम ध्यान की संगमन कृष्णर यही संगठा दर्शन करता है महाभिमान हो गल वही समय तो एक भ्रमर एखे आसल श्रीमती राधिकार पाद पद्म के कमल ज्ञान कर दिया तार कछे गुंजार करते लगे मानी जो कमल फूल तार मध्य प्रवेश कर जाए सही समय से वही महामाननी महाभाव के अभियु मदनख भाव समय युक्त श्रीमती राधिका चोख बंद कर दिए चोख से जल पर चल पर आखिरी बोल दो मत तो कि तब बंद हो मास विषांगी शपथ में मधु तुम्हें मधुपान कर दिए मधुपुरी थी के मधुपतिर ओखने पे आ तुम एखने एस मधुपुरी कथा जेखने मधु मान मद मद तैयारी है से हे मधुपुरी और ओ मालिक के दोकने मधुपति मान कृष्ण सोईखान तुम्हें आसच तुम्हें पाठिए तुम्हें मद्यप नीतिथी जानो ना कार का भाव से जानते हैं पागल राम बुझे ना तो रकम है तो ओ जे रकम कृष्ण तार दूत से रकम तुम যে আমি স্বামিনী আমি কি ভুল করেছি আমি মত কোনদিন শুই না তা মিথ্যাবাদী তো প্রভু এরকম মিথ্যা কথা বলে আর তুমিও এরকম মিথ্যা কথা বলছিস আমি কি জানি না যে তুমি মত খেয়ে এসেছিস তোমার চেহারা বলছে তোমার চোখ বলছে তোমার ভাব ভঙ্গিমা বলছে কি বলছে তুমি মত খেয়েছিস প্রভু আমাকে সামনে এরকম বলবেন না আমি মত তো ছুঁই নাই কোনোদিন জন আচ্ছা বলতো তোমার গোঁথেতে এই লাল লাল কুমকুম কোথা থেকে আসলো বলতে পারিস যে কই আমার তো কুমকুম তো নাই এই যে তো লাল আর হলুদ মিশিয়ে তোমার এখানে এসেছে বলি আমি যে তুমি জানে যে কি আমি বলে দিই এই আমাদের সৌতগণ আছেন বৃন্দাবনেতে মথুরাতে सौत माने की हमारी सौते हैं वहाँ बंगला से की बोले सती और एक पति की दो पत्नियां होती हैं तो परस्पर उसको क्या कहते हैं सौत कहते हैं इधर भी तो सौत हमारी सौतियों का वहां से वो अपने श्री अंगों में कुमकुम लगाती हैं और कृष्ण ने उनका आलिंगन किया और वो कुमकुम माला में लग गया और तू उसी पर बैठा और बैठ करके अपने गोफों में लगा लिया गुल्फों में और उसको लेकर के हमारे मनाने के लिए आया है इसे देख करके तो हमें और मान हो जाता है चलिए जाओ नहीं हमने ऐसा दोष नहीं किया आप हमें क्षमा कर दीजिए हमारा कुछ भी दोष नहीं दोष की बात नहीं कहती तुम तो मद्यप है ना मार पी करके आया मथुरा में जाओ उन्होंने तो हमको भेज दिया कि जाओ जाओ उनसे कहना अपने प्रभु से अपना प्रभु निकट है बोल जा मथुरा तो बहुत सम्मानी आछे रमणीगण लख लख यदि एक एक दिन एक एक रमणीगण मान भंग करे तारे तार बसर बसर दिखी जाए और तुम ओखने गए जखन ओरा प्रसन्न हो तुम्हारे प्रचुर मात्रा से पूछ दे एखने हमारे निकट से तहार ये सब वर्णन करे हमारे क्या लाभ है तथापि जाए न मन मन कर जे पशु है चार पाए मनुष्य है दो पाए और पशु है चार पाए पशु चार पैर का होता है मनुष्य दो पैर का और यदि छह पैर का यदि कोई जानवर हो गया तो वो कैसा होगा पशु सभी मूर्ख तो तुम ही छह पदे और आप भ्रमण होते सात पदे तुम ही छह पदे और तो तुम्हें मूर्ख मूर्ख मने हो तुम्हें जा मथुरा के ओखने पावे एखने की पावे हमारा কঙ্গালী নেই ব্যবহার কিছু নাই ওখানে তোমার রাজ রানী সবগুলি এক এক থেকে এক এক শিপট রানী ওখানে তুমি যা চাইবে সবগুলি দিবে আমার প্রশ্ন আপনি নিন্দা কেন করছেন আমি নিন্দা আমি করছি আমি সত্যি সত্যি বলি আমরা তার তাকে দেখতে চাই নাই তার সঙ্গে প্রীতিও করতে যাই নাই জোর করে প্রীতি করিয়ে
যে রকম হয়েছে যেখানে কমল পুষ্প থাকে কি কোন পুষ্প থাকে, ভ্রমর রাওখানে যায় মধুপান করলো অন্য পুষ্পেতে চলে যাবে, আবার অন্য পুষ্পে এদের কারোর সঙ্গে মিত্রতা হয় নাই, তোমার প্রভুরও তাই আমাদের সঙ্গে কারো তার মিত্রতা বন্ধুত্ব নাই, তার এই স্বভাব। আজকে এক লোকের সঙ্গে প্রীতি, কালকে অন্য লোকের সঙ্গে প্রীতি, আমার আর তার সেই রকম ভাবে প্রীতি চাই, তুমি চলে যাও। সামনে এরকম ভাবে আপনি নিন্দা তাহাকে করছেন, তার তো কোনো দোষ নাই, তিনি তো আমাদের আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে, তোমার প্রভুর কতগুলি কথা বলবো এই জন্মে নয়, শুনি যে তিনি ভগবান। আমরা কালো লোকের সঙ্গে আমাদের কোনো ত্রুটি নাই, পুরো পূর্ব জন্মেছে, শুনি যে সে একটি রাম রাজা ছিল, সে কি তোমার মতনই কালো, সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আমি এক প্রতিপত্তিধারী, মানে একটি মাত্র এক পত্নী পত্নী সঙ্গে আমি থাকি, আর কোনো পতি করি। কিন্তু এইরকম ভাবে কামি যে বনে গিয়েছে, বনে থাকে নিয়ে গেছে তার পত্নীকে, এমন এমন কেউ করে না, পত্নীকে ঘরে রেখে দেয় ভালো করে, সে বেটা মানে নাই, সব নিয়ে বনেছে, বনে নিয়ে যায়, আবার সেই পত্নীকে প্রসন্ন করাইবার জন্য চব্বিশ ঘন্টা তার সঙ্গে থাকে। ইতিমধ্যে রামনের বোন পরমা সুন্দরী রূপ ধারণ করে আর তাকে দেখে লুব্ধ হয়ে গেছে, বলে দিছে আমি আপনাকে এই শরীর সমর্পণ করলাম, তোমাকে আমি পতিরূপে বরণ করছি। তখন সে কি বলল, আমার ছোট ভাই বিবাহ হয় নাই, সেটি মিথ্যা, লক্ষণ তখন বিবাহ হয়ে গেছে, লক্ষণের বিবাহ জানে কাজ, তুমি তার কাছে যাও, আমার তো এই সঙ্গে স্ত্রী আছে। লক্ষণ কাছে গেল, লক্ষণ বলছে আমি তো দাস, তাহলে তুমি কি দাসী হতে চাও না রাজারানী, তাহলে রাজারানী যদি হতে চাও তাহলে আমার বড় ভাই দাদা আছেন, আমার বাবা এ 360 মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ করেছিলেন, ইনি দুটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ করলে কি ক্ষতি, তুমি যাও তাহলে। তাই তো মনে করলো সরল ভাবেতে, মেয়েটি সরল ছিল। তারপরে ওখানে আবার সে গেল রামের কাছে, রাম বলে যে সে তোমাকে খাগাচ্ছে, তুমি তার কাছে যাও, আবার তার কাছে গেল, সে আবার ফের রামের কাছে পাঠাচ্ছে, তখন তার হয়ে গেল রাগ। তখন সেটি কি করলো, বলে যে এই মেয়েটি হচ্ছে যত নষ্টের জোড়া, এই মেয়েটাকে যদি আমি খেয়ে ফেলি তাহলে আর দুজনই আমার সঙ্গে বিবাহ কর। তখন সীতাকে ধরতে গেল, রামচন্দ্র ইশারা করলেন তার নাক আর কানটা কেটে, এটা যার কার্তিক ছিল, আরে কামি পুরুষ, আবার ওই স্ত্রীর জন্য আবার ওর নাক কান কেটে দিল, নাকাতে বুঝিয়ে দিত যে আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ করবো, নাক কানটা কেন কাটল, এমন নিঃসুর যে আর ভবিষ্যতে তার সঙ্গে কেউ বিবাহ করবে, এমন কুরূপ করে দিল। ওই তো আর বানর কেউ খায় না, বানর কেউ খায় না মেরে, বানর মানে নরের মতন, তার ওদের মানুষ মানুষের মতন, তার কেউ শিকার করে না। আর ওই কালো পুরুষ কপটি ধূর্ত, সেটি কি করলো, বালিকে বিনা কারণে বধ করলো, আর গাছের আড়াল দিয়ে তাকে মারলো বান, সে কি দোষ করেছিল, আরে সেই দোষ তো করেছিল সুগুলো, সেই দোষ করেছিল ইবিশর, তা তাহাকে মারলো না, আরে একে মেরে ফেললো বানরকে, এটা তো উচিত হয় না। আর জানো কি, এই কালো শুনি একবার বামন দেওয়া হয়েছিল, মহা ধূর্ত ধূর্তের শিরোমণি বামন ছিল বড়, আর রূপ ধারণ করলো ছোট বামন আঙ্গুলে, বলিকে ঠগিয়ে দিল, কিরকম ঠগিয়ে দিল, যেরকম একটা ঝুড়িতে কেউ মাল চুয়া টোকরি নিয়ে যাচ্ছে ঝুড়ি, আর কাকড়া সেইগুলি খায় আর ঠুকরায় যে নিয়ে যায় তাকে, এইরকম হয় এউটি কি করে, সে তার কাছে সব রাজ্য নিয়ে নিল, সব কিছু নিয়ে নিল, তাকে আত্মসমর্পণ করে দিল, আর তাহাকে বাঁধে
तीन लाख पार्कर से देंगे ब्रह्मास्त्र से केंद्र दिए आप देखने के लिए दिल वही तो ब्रह्मा आर प्रहलाद महाराज से ताके छाड़ दी एमनि से हम आगे तार संगे को संबंध ना तुम्हें जाओ अभी तो কালো সঙ্গে আর কোনো আমাদের সম্বন্ধ নাই তখন বলছে শ্রমর মানব রাধিকারানী ভাব নেত্রে সে বুঝছেন তখন তিনি বলছেন কর দিয়া কৃষ্ণ তো এসে নই হ্যাঁ তো উনকা চরিত্র ভি কহনা ছোড় দো উনকা নাম ভি ভুল যাও উনকি বাত মত মন না লাও তো এই তো হম লোক নহীঁ করতা হম চাহতে হ্যাঁ কি উস ঘাট কে তরফ মে নহীঁ দেখেন জিস পর ও যাতা হ্যায় যমুনা কে हमारी नाक उसके गंध लेने के लिए सब समय रहो हमारा मन सभी उन्हीं की चिंता करता है एक बार भी चिंता हम जानती हैं एक बार भी उसका यदि कान में नाम पड़ जाए उसकी लीला कथा काम में पड़ जाए तो आदमी कैसा बन जाता है स्त्री पुत्र परिवार सबका स्नेह मोह माया ममता सता कर आप लोग यहाँ पर किस लिए जंगल में धूल फांकने के लिए आए क्या जरूरत है आप लोगों को यहाँ आने की रुपया भी खर्च करते हैं रोने के लिए कोई रोने के लिए रुपया खर्च करता है क्या जरूरत है कोई अमेरिका से आ गया कोई इंग्लैंड से आ गया कोई कहाँ से आ गया किस लिए ये बच्चा भी देखो तो इंग्लैंड से आ गया वो भी इंग्लैंड से आ गया वो भी इंग्लैंड से आ गया कोई और भी आए हुए हैं कोई बंगाल से आया कोई कुछ किस लिए क्या जरूरत है यहाँ पर धूल के अतिरिक्त पानी खारी और बोली बोली गाली रोलो की गाली है लक्षधार किसे बोलते हैं सब यानी कि क्या जरूरत वैसे गोपियां कहती हैं एक बार यदि कानों में नाम पड़ गया तो घर से बहुएं निकल जाएंगी अच्छे अच्छे लड़के सब अपनी पत्नी और पुत्र और सबको छोड़ कर से निकल आते और भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करते अपने भी रोते हैं इसलिए हम लोग पहले नहीं समझी अब समझ रही आप कुछ चाहने से भी ये छोड़ दो नहीं छूटता है बोला फिर गोपियों को कुछ अनुसंधान राधा जी को हुआ मैंने इनको बहुत उपकारा बहुत कुछ गाली गलौज भी दी किंतु उनका समाचार कुशल पूछा नहीं तब फिर पूछते हैं अभी वो तो मतलब आर्य पुत्र उठना आर्य पुत्र हमारे गुरुकुल से पढ़ करके आ गए कहाँ पर है ओहो क्या कभी भी स्मृति शक्ति अपने सखाओं को कुछ सोचते हैं कि हमारे सखा लोग सुधाम सुबल कहाँ हमारी सबली कालिंदी खबली ये सब गायें कहाँ हैं कभी सोचते हैं उनके बछड़े कहाँ हैं नंद बाबा जसोदा मैया अंधी हो गई कि क्या हो गया सभी लोग आदमी सबको भूल सकता है हमसे तो उनकी कोई शादी नहीं हम लोग तो उनसे कोई संबंध नहीं थी अरे नंद बाबा पिता और मैया इनको तो कोई भूल नहीं सकता ताके तो भूलता है ताके भूल ही थे स्मृति सफेद त्रिगेहान बंधुश्च गोपान कृपाते हैं कि ओ अच्छा कृष्ण कभी भी भूल करके भी हमारा स्मरण करते हैं क्या स्मरण करते हैं यहाँ की मथुरा निवासियाँ रमणिया इतनी सुंदर रसोई बना करके हमें खिलाती हैं आरोपती हैं मत वहाँ वृंदावन वाली की तो ग्वालियर एकदम जानती ही नहीं कभी इस रूप में भी कहते हमारी सज्जा गोपियाँ जैसी सुंदर बनाती थी ये लोग उतना कर नहीं पाती हैं इस रूप में प्रशंसा भी करते हैं कभी कभी हम उनके साथ मिले तो उसकी चर्चा कभी चलाते हैं वो अपने अत्यंत सुगंधित अग्नि जैसे सुगंधित अपने हस्तमल को हमारे सिर पर वो कब रखेंगे ऐसा करते 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 वो फिर मूर्छित हो गई अब फिर उठी नहीं उद्धव जी भाव में देख करके तन्मय हो गए तब वो कहते हैं आशाम हो चरण रेण जुशाम हम श्याम वृंदावन पाओ सती नाम जस दुस्सजन सजन आर्य प्रसन्न हित का भेजे मुकुंद सदवेम श्याम कहते हैं आशाम हो चरण रेण जुशाम तो हमारा परम सौभाग्य जीवन का होगा हमारे जीवन में परम सौभाग्य हो गए यदि यही वृंदावन विशेष करे यही स्थाने उद्धव क्यारी एक्टिव भूमिका नाम यदि होते पारी कोथाकार यही ब्रजे यही स्थाने उद्धव तो थकें तीन मथुरा से
बोलते से एखन का भूली कलार अभिमान जे कृष्ण मा से वही कृष्ण के ब्रजेंद्र नंदन गोपिका कांत से राधा कांत सेनापति हमारा अभिमान की एक तो हो जा से कृष्ण हमार हमार जन यही अभिमान हो इसे हो गए वैष्णव पद धूलि आर भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भक्त शेष यही तीन साधन निर्भर हमारे साधन में तीन चीजें बड़े बलवान हैं जो हमको भगवान की तरफ ले जा सकते गुरु और वैष्णव की चरण की धूलि चरण धूलि आर चरण धौत जल चरणामृत वैष्णव गणे भगवान चरणामृत ठीक है वो भक्त गणे जल पद जल विशेष प्रभावकारी बलकारी आर भुक्त भक्त भुक्त शेष वैष्णव के मुख से उच्छिष्ट गुरु जी के मुख से जो उच्छिष्ट है उच्छिष्ट दो प्रकार का कथामृत और महाप्रसाद ये तीनों चीजों का किसी प्रकार से संग हो जाए तनिक भी संग हो जाए तो जीवन हमारा कृतार्थ हो जाएगा हमारा वही प्रेम डाल देते पहले उद्धव बोलते हैं जैसे आप तो कुछ संभव हो ना यदि गोपी गणेश पद भूली यदि हमारे मस्तक पर यदि पड़ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और बोलते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्री नंग पादेनम अभिक्षुता ज्ञानं हरि कठोर गीत पूर्णात भुवन गोपी गणेश लख कोटि गोपी तादर एक टी गोपी एक टी चरणे एक टी धूलि के यदि हमें वंदना करते पाई तो जीवन सार्थक होंगे एक टी धूलि कना के हमें वंदना कर गोपियों की चरण लाखों लाखों गोपियों की चरण धूलि में से एक गोपी की एक चरण धूलि की यदि मैं वंदना कर सकूं तो हमको गोपी को भाव आ सकता है इसका और कोई उपाय नहीं जिनकी कथा विश्व ब्रह्मांड को एक सेकंड में पवित्र करने की सामर्थ्य रखती है ऐसे गोपियों की चंद्रे की मैं वंदना करता हूँ ये गोपियाँ हमारे ऊपर में प्रसन्न हो या धाम हमारे ऊपर में प्रसन्न हो आप सब लोगों के ऊपर में या धाम कृपा करें और उनकी वंदना करने वाले उद्धव जी भी हम लोगों पर यहाँ पर कृपा करें जिसके नाम से उद्धव प्यारी है हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाए और हमारी परिक्रमा का आने का सफल हमारा जीवन से यदि एक भाव यहाँ से एक बिंदु लेकर चले हमारा एक खनकर एक भाव बिंदु यदि कना लेते पाई जीवन सार्थक हो जाए अन्य संप्रदाय लोग एखने आसन अन्य कोई संप्रदाय का लोग उनसे अलक्षित ये सब स्थान है महाप्रभावशाली और जगत के श्रेष्ठ स्थान है ये सब ब्रज में भी श्रेष्ठ स्थान है महाप्रभु इसी भी प्रलम्ब रस का आस्वादन करने के लिए जगत में आए थे और यहाँ आकर के दिन रात रोते रोते बेहाल हो जाते थे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से स्थान में आए थे ऐसे देव दुर्लभ परम दुर्लभ स्थान में हम लोग आए हैं यहाँ की चरण धूलि अपने सिर पर लेकर के हम लोग क्रमशः चलेंगे একদিন কোনো একটি গোপি গভীর মাখন নিয়ে যাচ্ছে और श्याम सुंदर ने सखाओं के साथ में इसको गोद लिया दधी का दान मांगने लग गए
अभी का दान अभी हो रहा है, उनकी फरियाद उठ गई वहाँ पर দলবদ্ধে থাকতে একটি লোক আর পার যেতে পারে, এদিকে দেখুন গৌরঙ্গ আর এইদিকে আছে দেখুন অন্ধারের চামরঙ্গ। कृष्ण यही पर आ करके खड़े हो जाते और गोपियों से तकरार होती, गोपी तो संगे खाने से बात विवाद हो तो इन्हीं दान मांगते इन्हीं बोलते थोड़ा बोल तो ये किसर दान, आज पर्यंत तो कोनो दिन हमारा दान भी नहीं, आज तो आके कोनो दिन दान लेते हमारा देखी नहीं कि तो नतून रिवाज क्यों এটি আমার ভূখণ্ড, অত এখানে থেকে যেতে গেলেই দান লাগবে, বুঝে তোমার কিসে এই নিয়ে খুব বাদ বিবাদ হতো। একদিন কোন গোপীকে ধরেছেন আর ধরে তাহাকে বলেছেন যে তুমি এখানে দান দিয়ে যাও, বুঝেছি আমি দান দিব না, এই নিয়ে খুব তাহার সঙ্গে ধরাধরি ইত্যাদি হলো। তখন কৃষ্ণচন্দ্র ঘরে তাহাকে তার গভীর ত্যাগ লুটে নিয়েছেন আর তাহার মস্তকের উপরে উপর থেকে ঝেল মেরে দিয়েছেন। গোপী একেবারে গভীতে স্নান করে গেল মাখনেতে। তখন ওই গোপী শ্রীমতী রাধিকাকে বলেন যে কৃষ্ণ প্রতিদিন এইরকম হতে লুটালুটি গভীর করে, কৃষ্ণ এসে হি প্রতিদিন করতে হ্যাঁ। বস ললিতা সখী কো কহা রাধা জি নে আজ কৃষ্ণ কো কিসের রূপ মে দুরুস্ত করনা হ্যায়, কৃষ্ণকে আজকে দুরুস্ত করতে হবে। এই জন্য তিনি কি করলেন অনেকগুলি গোপীগণের দল এই কুঞ্জেতে লুকিয়ে দিলেন শ্রীমতী রাধিকা, এদিকে বিশাখার দল ওদিকে ললিতার দল এদিকে চিত্রার দল চারু দিকে তাহলে ঘেরে লুকিয়ে থাকলো। আজকে যদি শ্যাম সুন্দর যদি আসেন আর একটু যদি বদমাশি করেন তাহলে আজকে তাহলে আমরা আশা করতে এমন ভাবে শিখিয়ে দিব যে আর জন্মে তিনি নাম নেবেন না কবির উঠবা। কৃষ্ণচন্দ্র মনে করছেন যে আজকে গোপী কোন একলাই আসবে আর তারপরে তাহাকে আমি এরকম গভীর উঠব, গোপীরাও পূর্বে থেকে প্রস্তুত আছে তাহলে সেই প্রস্তুত হয় ও গোপিয়া, যখন ও দধি লেকর কে আজ এক গোপী আই পালে জন্মে থা, যদি তুমি কৃষ্ণ কিছু লুটে ফুটে আর তুমি তকরার ও ঝগড়া করেন তোমার সঙ্গে যদি কোন রকম তকরার বাদ বিবাদ করে তুমি ভীষণ বাজিয়ে দিবে, অর্থাৎ তুমি তোমার এমন ভাবে তুমি চিহ্ন করবে যাতে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবগুলি পৌঁছে যাব আর ওকে ধরব। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ তাহাকে এসেছেন দধের দান মানতে লাগলেন, সেটা কিছুতেই দান দিবে না তাই তিনি দান নেই দেবি, আমি তুমি লুটনা আরম্ভ কিয়া হাত সে পকড় না ইধর উধর ছেড় ছাড় কানি আরম্ভ কর দি বস উসনে সিটি বাজা দি। আর লক্ষ লক্ষ গোপী এই কুঞ্জ থেকে ওই কুঞ্জ থেকে এই কুঞ্জ থেকে একটু উপস্থিত সব উপস্থিত হবে গোপিয়া, লাখো লাখ গোপী মধুমঙ্গল অর্জুন লবঙ্গ কৃষ্ণ ইত্যাদি জিতনে সখা থে উনকো লাখো লাখো গোপীয় কো দেখ করকে ডর গয়ে আর ডর করকে ভাগনে কি চেষ্টা কি সবসে পহলে মধুমঙ্গল কো পকড় লিয়া, মধুমঙ্গল কে থানা ধর লো পকড় করকে উনকে চোটি বাঁধ দিয়া উসনে সির কে পেড় কি ডাল মে চোটি বাঁধ দি আর ভুলছে এসে লাগায় দেখিয়ে ভাইসা পুছা মারা উনকো ডাল ছুলা দিয়া উনকা মধুমঙ্গল কা, মধুমঙ্গল রোনে লগা আর মে চাল পকড়তা হুঁ কবি নহি ঘর মে আউঙ্গা থাকুঙ্গা ভি নহি আমি আর এখানে আসবো না, আমি তপক খাচ্ছি আমি আর আসবো না। তখন কৃষ্ণকে ধরে আর যে যে সখাগুলি ছিলেন তাদেরকে ধরে আবার তাহাকে টিকি বেঁধে দিল কেউকে কুচি কর দিল আর কৃষ্ণকে কাউ ছাড়লো না। কৃষ্ণকে কি করলো কৃষ্ণকে জোর করে দিয়ে লহঙ্গা পরিয়ে দিল, উনকো আপনি লহঙ্গা পহনা দিয়া
लहंगा मने घंगरा घंगरा पर ये दिवस जोर पड़े तू जाती गोपी ठाकुर घर है तीनों जी लो और तुम्हें उसे उठा कर दिया और उनके पैर से लेकर के यहाँ पर पहना दिया और एक अपनी चिनरी उनको उड़ा दिया और उनको वैसे ही गोपी जैसा सिंदूर और ये सब कर दिया उनको सखी बना दिया और उनके ऊपर में दारू पड़े थे गभी भंग एक बार रखे दिलो और ललिता विशाखा ये दिलो जी के थे और उन्हें से फेल मार और वो फूट गई गबरी और सब में कृष्ण स्नान करने और सब लोग की ताली बजा के ललिता जी ने कहा कान पकड़ो जब फिर मैं नहीं आऊंगा तुम्हें कान भरो आ रहा रास लेना तो कृष्ण जी रोने लग गए और पैया पकड़ ले अब ऐसा नहीं करेंगे तो तुम तो कहता था उस गोपी को कहा कृष्ण ने पहले पहले वाली तो गोपी ने कहा जो भाई जाकर के हम कंस से कह देंगे हम कंस क्या बोला दी वो आप कंस कमा के ऐसे दुरुस्त कर दे कृष्ण की बोल रहे कृष्ण बोले जी ऐसे एटी की तुम्हारा खसम न की कौन सा खसम ना लेकिन तुम्हारा भरतार न की गोपी बोले जैसे आज के तुम्हारा भरतार कौन आज के गोपी राज भर लो ये तुम्हारा भरतार एखन कुछ है एखन तुम तुम्हारा भरतार के देखे नहीं है तो ये रकम होते दान प्रतिदान यही तुम सदीदार स्थान दुनिया Thank you.
footprint on very big size. भगवान को पाम रही हूँ करके आओ नंद गांव भी पते हैं।
नंद गाँव से गोल चालू करते करते नंद गाँव से गोल चालू करते 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 फिर सखाओं को लेकर के यहाँ पर और ऐसी पंचम पान छेड़ी मधुर मुरली का तान ऐसे पंचम स्वर से पंचम स्वर मैंने क्या कृष्ण का पंचम स्वर तक है और गोपियों का क्या है पंचम स्वर से कृष्ण ने छोड़ा और ऐसे मूर्छना ताल से छोड़ा मूर्छना राग मूर्छना मैंने क्या होता ऊपर में चढ़ते चढ़ते और नीचे से धीरे 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 कांपता हुआ आसपास नीचे एकदम पत्थर उसमें पिघल गया पांच सौ पर्यंत पिघलेगा और जो जो यहाँ पर था उन सबका चरण चिन्ह चिन्ह 5000 वर्ष के से भी और पुराने ग्रंथ हैं गर्भ संहिता इत्यादि में व्यास देव का रचित बड़ा पुराण इत्यादि है जिसमें से हमारे रूप गोस्वामी जी ने और एक और थे उन्हीं के समकालीन ब्रज भक्ति विलास उन्होंने लिखा उसमें इन सब का जहाँ जहाँ ब्रज में जो जो चिन्ह है नारायण भक्त ब्रज विलास उसमें जहाँ जहाँ जो जो चिन्ह है और जो जो सरोवर कृष्ण के स्मृति में जो जो कुछ मंदिर है जो कुछ उसमें मिले सब काम होने पुंखानुपुंख रूप में वर्णन किया कैसे आया कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो हिरण इत्यादि थे जो जो पशु पक्षी ये मरुभूमि के बीच में इसलिए ऊँट भी यहाँ पर होते थे अभी भी चारों तरफ में देखता है ना कोसी में इधर में मथुरा में चारों तरफ में ऊँट की गाड़ियाँ हैं यहाँ से पासी में और थोड़ा सा इधर में चले जाएंगे और एकदम तो महाराज जी थोड़े ऊँट रहे पहले बहुत पहले बहुत ही हाथियाँ भी थी बड़े बड़े राजा राजवाड़ों के हाथियाँ भी थी जंगल ये साधारण जंगल नहीं वहाँ घना बोर जंगल होगा तो पहले महात्मा घोड़ा रखते हैं ये घना घोर जंगल इसमें आना सच सच बात है अभी देखिए ना इस समय में भी इतना रास्ता घाट सब होने पर भी इतना आना शहर के लोगों को पता नहीं है ये देहातों में चलने में कैसा कष्ट होता है रामचंद्र जी को बन जाने में कितना कष्ट हुआ होगा कोई रास्ता घाट उस समय था कृष्ण को चारण करने के लिए जाते थे तो गैया कोई अच्छा मार्ग देख करके लोगों से पूछ करके चलती थी बाटे सूखे बड़े बड़े पत्थर जंगल झाड़ ऐसा अब ये तो बहुत अब तो बहुत कुछ पट गया है मैंने क्या मट्टी टट्टी सब चारों तरफ से होकर सुगम रास्ता सब बन गया पहले इतना सुगम ब्रिज में रास्ता घूमना नहीं था हम लोग गुरु जी के साथ में आज से 45 वर्ष पहले बद्रीनाथ केदार में गए थे उसमें कोई रास्ता नहीं था कोई बस नहीं जाती थी प्राण आदमी हथेली पर लेकर के चलता था प्राण हाथे ऊपर एक बार एक रास्ता और उखंड के पाथर गुली पोड़ छे पत्थर वहाँ से गिर रहा है बालू कहीं बालू जैसा यदि चले जाए 4-5 माइल 6 माइल नीचे चले जाएंगे एकदम एक कबरे नीचे माझे माझे एखने से बास बोली एक चक्कर यदि एदिगे चले जाए सब लोग कुछ जी चले जाए आर पाँच दर लाश पावा जाए उनकी लाशें नहीं मिलती हैं अभी भी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए एरक होते ये सब दुर्गम पथे ये सब लीला कर पावा सहज न পথঘাট আমরা না হয় সরল সহজ করে দিব মনে কষ্ট আমরা কিরকম হয়েছে করে দেবো উপর খাবার দিয়ে মন মনটা কিরকম করা যাবে মনের পথটা ঠিক করে দিতে পারো বিষয়ে ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে ওখানে রাস্তা কন্ত কাকিরের মনে কিরকম বিষয়ের চিন্তা কত রকমের চিন্তা সব এই যে প্রতিষ্ঠার সব চিন্তা ও থেকে আরো আমাদের ভোগের লালসা সুখের লালসা কামনা এইসব গুলি ভক্তি রয়েছে ওইগুলি তো পার পাওয়া সহজ নয় এইগুলি তো আমরা পার করে যাবো ওইগুলি পার করা সহজ এই জন্য এইসব গুলি খুব কষ্টকর ছিল না তথাপি বৈষ্ণবরা সব নিয়ে আপনাদেরকে নিয়ে এসে মনে মনে একটু কষ্ট হচ্ছে
देखिए कोई पाए चले नहीं रहे बेटी रह सर मुझे फैटे चले रहे ये तारा हेटे चले ना আর তাদেরকে কত কষ্ট করে কেউ পড়ছে কেউ গিরছে কৃষ্ণ আপনার উপর পর কৃপা করে রাধাজি আপনার সব দে করতে কেন ইস পর কৃপা কর লিজে এসা নই হোনে সে লোক হৃদয় মে বিনতা নই আতি যদি কৃষ্ণ কিসি পর কৃপা করতে হ্যাঁ উসে বিপত্তি মে ফেঁক দেঙ্গে কষ্ট মে লগা দেঙ্গে और हृदय से हा निकालेंगे और हा निकाल सुनते ही बस कृष्ण दुख दौड़े विपत्ति में गिरा देंगे और ऐसा करेंगे तो और कोई हमारा सहारा नहीं है उस समय में बस आंख बंद करके उन्हीं के चरण इसलिए ऐसे ऐसे दुर्गम स्थलों में उन्होंने सर्दी रहेंगे काशी में हम लोगों ने देखा वहीं पर एक सरोवर है उसको पार करके हम लोग आए हैं उसको कहते हैं क्षीर सागर उसमें यहाँ का पानी बड़ा सुंदर और खीर के समान था अब वो धीरे धीरे एकदम नमक बन गया ये कलिकाल है नमक बन गया इसमें शेष साई विष्णु थे पासी में शेष साई है गोपियों ने कहा जैसे आप भगवान हैं तो शेष साई का रूप दिखलाइए बस सती साथ में सुबल से गांव को बना लिया शेषनाथ कि बलदेव प्रभु जी बन गए शेषनाथ और उसमें कृष्ण जी सो गए उसमें साई का दर्शन के पास ही नहीं यहाँ से पांच साल मंदिरों से यहाँ पर